नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल 101 में। मेरा नाम है संदीप। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो सेशन है दोस्तों, 8 बजे के बजाय हमने 10 बजे शुरू किया है। कोई काम आ गया था जरूरी, जिसके कारण सेशन जो है हमने 10 बजे रखा। कल से फिर से 8 बजे ही पढ़ेंगे हम। 8 बजे जो है हमारा जो भी सब्जेक्ट नेक्स्ट अपकमिंग है उसको हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से देखते हैं दोस्तों हमारा जो स्केड्यूल है उसको, क्या हमारा स्केड्यूल है, कैसे हम पढ़ रहे हैं। मैराथन सेशंस की अगर हम बात करें तो इन मैराथन सेशंस के अंदर सबसे पहले हम सॉइल मैकेनिक्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सॉइल मैकेनिक्स हो चुका है, आरसीसी हो चुका है, इरिगेशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इरिगेशन के साथ साथ हाइड्रोलॉजी जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोलिक्स में अगर हम बात करें, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ओसीएफ वाला जो पार्ट है, ओपन चैनल फ्लो, और आपका हाइड्रोलिक मशीन जो है, ये पार्ट अभी पेंडिंग है। इसको हम पढ़ेंगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर, स्पेशल क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। आज हमारा एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है, ठीक है। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग 1 जो है ये हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि अगर दोनों एक साथ कर दिए तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग 1 हम पढ़ेंगे, और कल जो है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग 2 कवर करेंगे। अब इस सेशन के एंड में आप लोग बताइएगा कि वो जो 2 करना है वो शाम को यूट्यूब पे ही करना है, या दिन में यूट्यूब सेशन रखना है, या कैसे रखना है, क्योंकि बाकी स्केड्यूल कोशिश करेंगे दोस्तों अपने इसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलें, ताकि 20 तक अपने सारे सब्जेक्ट्स की मैराथन जो है वो कंप्लीट हो जाए, और सारा कुछ कंप्लीट हो जाए जो भी रिवाइज अपने करना है, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट, ठीक है, शुरू करते हैं, लेट अस बिगिन। तो दोस्तों बात करेंगे, अगर आप अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर अभी स्टील डिजाइन जो है ये चल रहा है। स्टील डिजाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल पर अनअकैडमी पर आपको ये कोर्स जो है दिख जाएगा। इस कोर्स को आप देख सकते हैं वहां पे, और गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके उसके बाद आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, देन यू हैव टू यूज द कोड संदीप 111। चलिए दोस्तों एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की बात शुरू करते हैं। यहाँ पर चलिए लेट अस बिगिन। तो दोस्तों एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग यहाँ पर बात करेंगे। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के जो कंपोनेंट्स अगर हैं उनकी हम बात करें तो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग को 2 पार्ट्स में हम पढ़ते हैं। पहला पार्ट जो आपका है वो है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, कि जो हमारे घर तक वाटर सप्लाई होता है उसको पढ़ते हैं हम यहाँ पर, कि उस पानी की जो है क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसमें अगर क्वालिटी जो है वो सही नहीं है अगर, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो वो जो रॉ वाटर होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, रॉ वाटर जो सप्लाई है उसके बारे में हम यहाँ पर इसमें स्टडी करते हैं। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग 2 के अंदर जब वाटर को हमने यूज कर लिया और वो वेस्ट वाटर हो गया, तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो है ये पढ़ते हैं हम एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग 2 के अंदर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन जो है ये हम कवर करते हैं एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग 2 के अंदर। तो आज बात कर रहे हैं दोस्तों एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग 1 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की। और इसके अंदर चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो वाटर डिमांड की बात करेंगे, कि पानी जो है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, ये कैसे पता लगेगा हमें, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसका, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला चैप्टर आ जाता है दोस्तों हमारा, जिसको हम बोलते हैं वाटर डिमांड। वाटर डिमांड, पानी चाहिए कितना। अब पानी चाहिए कितना वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको ऐसे पता लगेगा कि कितने लोग हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि कोई भी वाटर प्रोजेक्ट जो है, अगर आप मान लीजिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो वो रोज रोज बना सकते हैं या हर साल नया बनाया जा सकता है। उसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, आपको खूब पैसे जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। चलिए मार्क्स की अगर बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको 5 से 6, 7 से 8, मतलब 5 से 8 मार्क्स के बीच में जो है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आपका प्रोजेक्ट जो भी आप बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट जो है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आप बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं डिजाइन पीरियड। तो उतनी ड्यूरेशन के लिए आप बनाएंगे, और अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बहुत सारे उसके कंपोनेंट होंगे। कैसे कंपोनेंट होंगे, कि अगर स्टोरेज की हम बात करें तो कोई डैम है या फिर जो भी रिजर्वायर है वो होगा, उसके पंपिंग सिस्टम्स होंगे कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद उसके जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो होंगे। तो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, तो उनके अलग अलग डिजाइन पीरियड होते हैं। तो डिजाइन पीरियड बेसिकली होता क्या है, वो ड्यूरेशन, जितनी ड्यूरेशन के लिए आप ये मानते हैं कि आपका प्रोजेक्ट सर्व करेगा, काम आएगा लोगों के, कि आप पानी जो है उनको सप्लाई कर सकते हैं।
तो ये जो डिजाइन पीरियड है अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से, स्टोरेज बाय डैम की अगर हम बात करें तो 50 इयर्स के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं, उसके बाद इनटेक जहां से पानी आएगा इनकी अगर हम बात करें तो 30 इयर्स तक इनको डिजाइन करते हैं, पंपिंग की बात करें तो पंपिंग यूनिट जो आपकी है यहां पर पंप हाउस 30 इयर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल जो मोटर्स और पंप्स जो होते हैं उनको 15 साल के लिए हम डिजाइन मानते हैं, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट जो है इनका 15 ईयर जो है हम कंसिडर करते हैं, पाइप के जो कनेक्शन है दे आर कंसिडर्ड टू बी फॉर 30 ईयर्स, उसके बाद रॉ वाटर एंड क्लियर कन्वेइंग यूनिट्स जो पहुंचाएंगी उनको, रॉ वाटर को पहुंचाने वाली जो यूनिट्स हैं कन्वे करने वाली उनको 30 ईयर्स के लिए, क्लियर वाटर के जो रिजर्वायर एंड टैंक हैं उनको हम कितने टाइम के लिए 15 ईयर्स के लिए हम डिजाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो 30 साल के लिए हम डिजाइन करेंगे। तो ये तो हो गई डिजाइन पीरियड की बात दोस्तों, कितने समय तक आपका ये जो प्रोजेक्ट है सर्व करेगा, इस पर्पज को सॉल्व करेगा। अ टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इज कॉमनली डिजाइन फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ, कोई भी टाउन वाटर सप्लाई जो है स्कीम जनरली जो आप डिजाइन करते हैं वो कम से कम आप कितने 30 साल के लिए आप डिजाइन करते हैं, इट इज डिजाइन फॉर 30 ईयर्स या फिर 3 डिकेड 3 दशक हम कह सकते हैं यहां पर, ठीक है। चलिए एनवायरमेंट 1 और 2 की बात करेंगे, पहले आप 1 कंप्लीट कर लो, 1 कंप्लीट अगर हो गया और आप कहेंगे कि 2 करवाना है तो 2 भी आज ही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल 1 पे फोकस करें अभी आप। फिर उसके बाद बात करें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की, तो दोस्तों जो कोई भी जगह पर पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वहां पर कितने जन्म हुए, वहां पर कितनी डेथ हुई, कितने लोग माइग्रेट करके आए, तो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग अगर हम कर लेंगे कि आज से मान लीजिए 30 साल के लिए हम प्रोजेक्ट अगर डिजाइन कर रहे हैं तो आज से 30 साल तक जिस दिन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट को बनाने में भी हमें 1-2 साल लग जाएंगे, तो मान लीजिए 1 साल हमें बनाने में बन लगेगा, तो अभी चल रहा है मार्च 2021, तो मार्च 2022 के अंदर वो प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा, फिर वहां से 30 साल आगे काउंट कर लीजिए कि 30 साल तक वो सर्व करना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस 30वें साल तक पॉपुलेशन कितनी होगी, तभी तो वो सर्व कर पाएगा। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड जो है वो निकालें कि पॉपुलेशन कितनी होगी। सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं दोस्तों एग्जाम में वो आपके आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड से, कुछ नहीं करना, एवरेज निकालना है आपको कि हर साल एवरेज इंक्रीज कितना आ रहा है, एवरेज इंक्रीज कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद आप कितने भी ईयर्स के बाद पूछ लो। जैसे अगर आप कहें कि 1 साल में जो पॉपुलेशन थी वो थी किसी एक पर्टिकुलर जगह की, वो 10,000 थी, फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो कितनी हो गई, 12,000 हो गई, नेक्स्ट ईयर कह लीजिए, डिकेड कह लीजिए, 2 टर्म्स यूज होंगे यहां पर, एक होती है डिकेड जिसे हम बोलते हैं कि 10 ईयर्स का जो ड्यूरेशन होता है एक ईयर्स के अकॉर्डिंग, तो ज्यादातर जो डेटा 90% ऑफ द टाइम जो डेटा गिवन होता है डिकेड्स में ही होता है, क्योंकि सेंसस जो होता है, जो पॉपुलेशन की जनगणना जो होती है वो हर 10 साल में ही होती है, तो डिकेड्स के अकॉर्डिंग दे रखा होगा। मान लेते हैं कि पहले डिकेड में कोई छोटी जगह है वहां पर 10,000 पॉपुलेशन थी, फिर 12,000 हो गई नेक्स्ट डिकेड में, फिर उसके बाद आप मान लीजिए कि 15,000 हो गई, और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट मान लीजिए कि वो हो गई 18,000, तो आप इंक्रीज कितना बताएंगे, यहां से यहां तक 2,000 का इंक्रीज हो गया, फिर उसके बाद यहां से यहां 3,000 का इंक्रीज हो गया, फिर यहां से यहां फिर से 3,000 का इंक्रीज हो गया, ओवरऑल इंक्रीज आपके पास कितना है यहां पर अगर आप देखेंगे तो 8,000 एवरेज इंक्रीज कितना आ गया, 8,000 डिवाइड बाई 3, तो हर एक डिकेड में एट एन एवरेज इतना इंक्रीज आया है, तो जितने भी डिकेड बाद पूछे आप एन इंटू 8,000 बाई 3 यानी कि एट एन एवरेज हर एक दशक में कितना इंक्रीज आ रहा है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड कुछ इस तरीके से हो जाता है, आपको एग्जाम में जो डेटा दिया होगा ऐसा कुछ डेटा होगा, आपको क्या करना है पॉपुलेशन दे रखी होगी, पॉपुलेशन के आगे उसका इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीज कितना आया, फिर वो जो इंक्रीज है उसका एवरेज लेंगे, एवरेज लेने के बाद आपको पता लग जाएगा हर एक डिकेड के अंदर कितना इंक्रीज आया, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड। अब वक्त आ चला है दोस्तों कि जब हम पीडीएफ को पढ़ते हैं या जो हमारा नोट्स होते हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो उनकी जो मेन स्टार्टिंग की लाइंस होती है उनको ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं एसएससी में जो बिल्कुल बेसिक से पूछे जाते हैं। जैसे अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड की हम बात करें तो पहली लाइन को ही ध्यान से पढ़ते हैं, इन दिस मेथड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ऐसा ही सवाल एसएससी जेई 2019 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा है, एसएससी जेई 2019 में यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर परसेंटेज इंक्रीज डिकेड से डिकेड जो है वो कांस्टेंट माना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड। फॉर्मूले की बात करें तो पी नॉट 1+R/100 रेज टू द पावर एन आ जाता है यहां पर, और यहां पर आर जो है आर होता है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर करेंगे, जो भी
परसेंटेज आएंगे उनका आप यहां पर, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें, अब यहां पर ये मैं आपको बार बार डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, बस हम रिवाइज कर रहे हैं फटाफट मेथड को कि क्या हो रहा है। आपको टेबल दे रखी होगी, टेबल में पॉपुलेशन दे रखी है, पॉपुलेशन का इंक्रीज कैलकुलेट कर लीजिए, इंक्रीज का परसेंटेज कैलकुलेट करना है आपको। वापस से चलते हैं ज्योमेट्रिक की डेफिनेशन पर, इन दिस परसेंटेज इंक्रीज कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है इसके बारे में बात होती है। तो इंक्रीज आएगा, इंक्रीज के बाद आएगा क्या परसेंटेज, अगर 18 का इंक्रीज आया तो 18 विद रिस्पेक्ट टू 93, तो आपने यहां पर परसेंटेज कैलकुलेट किया। इसी तरीके से हर एक इंक्रीज का आप क्या कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज इंक्रीज आया यहां पर, इस परसेंटेज इंक्रीज का ज्योमेट्रिक मीन लिया जाएगा, इस परसेंटेज इंक्रीज का यहां पर क्या लिया जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन लिया जाएगा, यहां से आपके पास आर की वैल्यू जो है आएगी। अब चांसेस ये हैं कि अगर एसएससी जेई के अंदर ये सवाल आता है आपसे तो मैक्स टू मैक्स वो तीन वैल्यूज दे सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको क्यूब रूट की वैल्यूज जो है वो आपको याद होंगी, अदरवाइज वो आपको वैल्यूज ही ऐसी देगा, ऐसी देनी चाहिए कायदे से। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप टेबल के अंदर जो गिवन है उसमें इंक्रीज लिखेंगे, कितना ही इंक्रीज हुआ, इंक्रीज के बाद उसका प्रतिशत निकालेंगे। क्यों प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड के अंदर परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड कॉन्स्टेंट मानते हैं, इसीलिए उसका हम क्या लेते हैं यहां पर ज्योमेट्रिक मीन कंसिडर करते हैं। तो ये आपने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर करके और यहां पर परसेंटेज की वैल्यू निकाली, फिर ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर किया, फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास आंसर आ गया यहां पर। फिर यहां भी वही बात आ जाती है दोस्तों, कितने डिकेड्स बाद पूछा है, एक डिकेड, दो डिकेड, कितने डिकेड बाद, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन में, क्योंकि जनरली दो डिकेड बाद, तीन डिकेड बाद आपसे पूछता है, तो क्यूब तो आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। परसेंटेज एवरेज से नहीं करेंगे हम यहां पर, उनका परसेंटेज का ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर करते हैं इस मेथड के अंदर, जो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है इसमें ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर किया जाएगा यहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इंक्रीज पर इंक्रीज जो है वो कितना आता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पी नॉट एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू वाई बार। यहां पर अगर हम बात करें x बार और y बार क्या है, टेबल आपको दे रखी होगी, इससे रिलेटेड बहुत रेयरली क्वेश्चन आया, चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, यूएससी की बात कर लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन मेथड से पूछे गए हैं। पॉपुलेशन दे रखी होगी, पॉपुलेशन का निकालो, इंक्रीज कितना आया, फिर इंक्रीज पर इंक्रीज कितना आया, इंक्रीज में इंक्रीज कितना आया, वो चीज जैसे आज आपको पॉकेट मनी मिली 10 रुपए, कल आपको पॉकेट मनी मिली कितनी 15, परसों पॉकेट मनी जो है वो कितनी मिली आपको 20, तो 10 मिली पहले दिन, फिर 15 मिली, फिर उसके बाद 20 मिली, तो पहले दिन जो है इंक्रीज आया वो इंक्रीज आया कितने का, 5 का। नेक्स्ट डे जो इंक्रीज आया वो कितने का आया, 5 का। तो आपके इंक्रीमेंट में इंक्रीज कितने का हो रहा है, इंक्रीज में तो 0 हो रहा है यहां पर, आपका जो डेली इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, उसमें 0 हो रहा है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज जो आया वो कैलकुलेट किया आपने, इनके बीच में, इनके बीच में इंक्रीज कितना है इतना है, फिर इनके बीच में, इनके बीच में इंक्रीज इतना है। अब इंक्रीज में इंक्रीज कितना है वो आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको इंक्रीमेंटल इंक्रीज में एक बार आप इंक्रीज कैलकुलेट करो, फिर दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू इस तरीके से फिर से कैलकुलेट करो आप यहां पर, तो आपको पता लग जाएगा कि इंक्रीज में इंक्रीज कितना है, सॉरी दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू करेंगे आप, नेक्स्ट वाली माइनस प्रीवियस वैल्यू, तो इंक्रीज में इंक्रीज कितना है, इंक्रीज का एवरेज एक्स बार से डिनोट करते हैं आप, इंक्रीमेंटल इंक्रीज का एवरेज वाई बार से डिनोट करते हैं, पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस n इंटू एन प्लस वन बाई टू वाई बार फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। पी नॉट जो है वो लास्ट नोन सेंसस आपके पास होता है। ये तो हो गए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो इनके ऊपर आएंगे वो। अब डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल जो रिकमेंड करता है, उन रिकमेंडेशन से रिलेटेड जो सवाल पूछते हैं उनके ऊपर आते हैं। अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड इज यूज फॉर ओल्ड सिटीज, पहला ऑब्जेक्टिव सवाल, अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड जो है वो ओल्ड सिटीज के लिए यूज किया जाता है, मतलब जहां पर पॉपुलेशन सैचुरेट हो चुकी है, मतलब इतना ऑलरेडी पॉपुलेटेड हो चुका है वो कि अब नई पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ने की कोई खास गुंजाइश वहां पर नहीं है। नई सिटीज जो होंगी यंगर सिटीज होगी, अगर आप बात करें एनसीआर के अंदर, आप बात करें नोएडा में चले जाएं, गाजियाबाद साइड चले जाएं, या गुड़गांव के अगर साइड में आ जाएं यहां पर आप, तो एज कंपेयर टू ओल्डर दिल्ली यहां जो है वो नए ग्रोइंग एरियाज हैं, तो यहां पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगी। सो फॉर न्यू एंड यंगर सिटीज वी विल यूज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड, नई और यंगर सिटीज की अगर आप बात करें उनके लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड। उसके बाद बात करेंगे जहां पर भी
इंक्रीज जो है वो नेगेटिव अगर आ रहा है, जहां पर भी इंक्रीज की वैल्यू है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव रेट पर आ रहा है वहां पर, यानी कि जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने देखा है यहां पर इंक्रीज का इंक्रीज जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या यूज करते हैं यहां पर, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है आप यूज करेंगे। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड आपको अरिथमेटिक मेथड के बीच में और ज्योमेट्रिक मीन मेथड जो है इनके बीच की वैल्यू जो है आपको प्रोवाइड करता है। Which of the following method is used to forecast the population of old and very large city? बहुत ही old और large city है तो उसके लिए जो population के लिए आप method use करते हैं population forecasting का, तो वो आपके पास है arithmetical increase method. Forecasting of population for water supply is done using कौन से method को आप use करते हैं, arithmetic mean method use करते हैं, comparative method, graphical method, बहुत सारे मेथड है जिनमें से मेजर जो हम पढ़ रहे हैं वो मेथड आपके पास जो है वो अरिथमेटिक मीन मेथड, ज्योमेट्रिक मीन मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ये हमसे पूछे जाते हैं। इन लास्ट थ्री डिकेड्स द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज रिकॉर्डेड टू बी कितनी पॉपुलेशन आई, 20,000, 30,000, 40,000। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन फॉर विच अ वाटर सप्लाई सिस्टम शुड बी डिजाइंड इफ इट शुड एडिकेट फॉर द नेक्स्ट टू डिकेड्स, अगले दो डिकेड्स तक वो सफिशियंट रहे तो आप कितने के लिए डिजाइन करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। बच्चों वाला सवाल है, 10,000 का इंक्रीमेंट आ रहा है तो एक डिकेड बाद 50,000, अगले के बाद क्या हो जाएगा 60,000, 60,000 आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 20,000, 30,000, 40,000 इंक्रीज कितने का है, 10,000 का, तो एक डिकेड बाद 50,000 हो जाएगा, दूसरे डिकेड बाद 60,000 हो जाएगा, तो इसमें तो कोई फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट कर सकते हैं। Census record indicate the current population of a city as 60,000. Current जो population है, जो last known population है, जिसे हम denote कर लेते हैं किससे, P naught से, तो वो value आपको दे रखी है कितनी, 60,000. Census record indicate the current population of a city as 60,000. Population 10 years ago was, 10 year ago की जो population है वो आपको दे रखी है 55,000. ट्वेंटी ईयर्स अगो 50,000, फोर्टी फाइव थाउजेंड, फिर 50,000, फिर 55,000 और आज जो है वो 60,000 है। वॉट शुड बी द प्रोबेबल पॉपुलेशन आफ्टर टू डिकेड्स, बच्चों वाला सवाल जल्दी से बता दो आंसर, ऐसी मेहनत ही की है लिखने में, 5,000 का इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है हर जगह, नेक्स्ट टू डिकेड बाद, तो एक डिकेड के बाद क्या हो जाएगा यहां पर 65,000, एक और डिकेड के बाद आप बात करेंगे यानी कि दो डिकेड बाद, तो वो हो जाएगा 70,000। नेक्स्ट, A water supply scheme is to be designed for an area with over 90% population as lower income group. LIG group की अगर हम बात करें, lower income group की अगर हम बात करें, तो 90% population जो है वो lower income group को belong कर रही है यहाँ पर. What should be the water demand in liters per day considered in designing such a system? कितना consider करते हैं? अगर हम बात करें दोस्तों IS 1172 के अकॉर्डिंग, तो जो LIG ग्रुप्स हैं इनके लिए हम जो वाटर सप्लाई की जो वैल्यू है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 135 लीटर्स तक। The value of water supply given as 150 to 200 liters per head per day may be reduced to 150 liters per head per day for houses for lower income groups, LIG groups के लिए, या फिर जो economical vehicle sections होते हैं उन societies के लिए आप use कर सकते हैं depending upon various conditions.
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो डिटेल्स इसमें और हैं और वो भी देखते हैं। अ जनरल रूल फॉर द फॉलोइंग रेट्स पर कैपिटा पर डे मे बी कंसिडर्ड मिनिमम फॉर डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक नीड्स। क्या क्या है? फॉर कम्युनिटीज विद पॉपुलेशन अप टू 20,000 एंड विदाउट फ्लशिंग सिस्टम, 20,000 की पॉपुलेशन है विदाउट फ्लशिंग सिस्टम है, उनमें अगर हम बात करें वाटर सप्लाई थ्रू स्टैंड पोस्ट 40 लीटर्स पर आर पर डे पर हेड पर डे, वाटर सप्लाई थ्रू हाउस सर्विस कनेक्शंस 70 to 100 लीटर्स पर हेड पर डे आप बात करते हैं, कम्युनिटीज जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से है 20,000 to 100 to 150 LP liters पर हेड पर डे। सॉरी यहां पर डेटा जो है वो ऐसे दिया है आपको, 20,000 से लेके 1 lakh तक की जो पॉपुलेशन है उनके लिए 100 to 150 लीटर्स पर हेड पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। कम्युनिटीज विद पॉपुलेशन अबव 1 lakh इनके लिए आप कितना प्रोवाइड करेंगे, 150 to 200 लीटर्स पर हेड पर डे। तो वाटर सप्लाई अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो 40 लीटर पर हेड पर डे अगर पॉपुलेशन बहुत ही कम है, या फिर स्टैंड पोस्ट के थ्रू एक जगह पर आप खड़े होकर वहां से आप जो है वाटर डिलीवर कर रहे हैं, वाटर सप्लाई थ्रू हाउस सर्विस कनेक्शन, कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया अगर आपने तो 70 से लेके 100 लीटर्स पर हेड पर डे। कब? जब पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम पॉपुलेशन मतलब 20,000 से कम, 20,000 से 1 लाख तक 100 टू 150, और अगर हम बात करें 1 लाख से ज्यादा तो आप प्रोवाइड करते हैं 150 से लेके 200 लीटर्स पर हेड पर डे। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पस पर कैपिटा पर मिनट इज कंसिडर्ड टू बी पीक डिस्चार्ज। अगर हम बात करें कितना कंसीडर किया जाता है, 1.8 लीटर्स फॉर 5 टू 10 यूजर्स, 1.2 लीटर फॉर 15 यूजर, 1.35 लीटर फॉर 20 यूजर्स। द एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन अंडर नॉर्मल कंडीशन इन इंडियन सिटी पर डे पर पर्सन इज, इंडियन सिटी के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग जो हम कंसीडर करते हैं ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे जो पानी के खर्चे हैं इन सबको मिला के 135 लीटर हम कंसीडर करते हैं। The total water consumption including domestic, commercial, industrial demands, सारा कुछ include कर दिया यहाँ पर। पिछले question के अंदर क्या था यहाँ पर? यहाँ पर हम बात कर रहे थे domestic consumption की, सिर्फ और सिर्फ कौन सा consumption? Domestic। तो domestic के अंदर 135 liter consider कर लेते हैं। Total water consumption जिसमें domestic, commercial, industrial और सारी demands जो है उनको include कर लिया, तो आप कहते हैं कि वो 270 liter per capita per day आप मानते हैं। Which department look after the execution and maintenance of water supply and sanitary works? तो जो आपका PhD department होता है, public health department जो होता है, ये इसके बारे में ध्यान रखता है। Public health engineering department जो आपका होता है। Next, the total requirement of water arrived is arrived by using the following code. कौन सा code use करते हैं आप? IS 1172-1963 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो चीजें हमने भी जिनसे related questions देखे उसी की बात करते हैं यहाँ पर। Government of India manual जो है वो क्या बताता है कि water consumption 135 liter से देके 225 liter तक हम consider करते हैं यहाँ पर। उसके बाद फुल फ्लशिंग सिस्टम अगर है, जहां पर फुल फ्लशिंग सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर 200 लीटर पर कैपिटा पर डे भी यूज करते हैं। लोअर इनकम ग्रुप के लिए हम कितना कंसीडर करते हैं, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। कमर्शियल डिमांड की बात करें या अगर इंस्टीट्यूशनल डिमांड की अगर आप बात करें तो यहां पर जनरली 20 लीटर पर डे, 20 लीटर पर हेड पर डे या 20 लीटर पर कैपिटा पर डे कंसिडर किया जाता है। जो बहुत ही ज्यादा कमर्शियलाइज सिटी हो गई चंडीगढ़ की आप बात करें यहाँ पर, या बहुत ही ज्यादा कमर्शियलाइज है बेंगलोर की बात कर लीजिए आप, तो ऐसे जगह आप क्या करेंगे 50 लीटर पर कैपिटा पर डे आप कंसिडर करेंगे। सिनेमाज में, थिएटर्स के अंदर आप 15 लीटर पर कैपिटा पर डे कंसिडर किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना होता है वहां पर, प्रॉपर जो है वो सैनिटेशन मेंटेन करना पड़ता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है 340 से लेके 380 लीटर पर कैपिटा पर डे। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो है सच कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा ये इंपैक्ट करता है किसी भी सोसाइटी को, अगर पानी दिया जाना है तो उसकी जो वाटर डिमांड है सबसे ज्यादा इफेक्टेड किससे होगी, इंडस्ट्रियल डिमांड। उस एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज जो है वो कितनी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होगी। अब टाइप ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों किस टाइप की इंडस्ट्री है। जैसे अगर हम बात करें पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है तो वहां पर बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज होगा। अगर पेपर इंडस्ट्रीज की आप बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो यूज होता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री।
चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। डिमांड फॉर पब्लिक यूज, पब्लिक यूज के अंदर अगर आप बात करें तो जो भी टोटल कंजम्पशन होता है उसका 5% लगभग कंसीडर किया जाता है। टोटल अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ द सिटी इज प्रोवाइडेड एज डिमांड फॉर पब्लिक यूज। इसे आप कहते हैं 10 लीटर पर कैपिटा पर डे जनरली यूज कर लिया जाता है। जो भी पार्क के अंदर पानी यूज होगा, रोड्स हैं उनकी क्लीनिंग के अंदर पानी यूज होगा, ये सारी चीजें किसमें होंगी? 5% से ज्यादा नहीं मानेंगे और 10 लीटर पर कैपिटा पर डे मान लेंगे आप। फायर डिमांड की अगर आप बात करें तो फायर डिमांड आपको पता है, फायर के लिए अगर आप जब भी फायर कहीं पर लग जाती है किसी बिल्डिंग के अंदर तो 3 जेट जो हैं वो पानी के छोड़े जाएंगे, एक जिस बिल्डिंग के ऊपर लगी है और 2 उसके एडजेस्टिंग वाली होंगे ताकि उनमें ना लग जाए और टेम्परेचर जो है इनका कंट्रोल्ड रहे, उसके लिए आप यूज करते हैं यहाँ पर। तो फायर हाइड्रेंट्स का या फिर जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है इनका प्रयोग किया जाता है। अब जो ये स्ट्रीम्स आप यूज करते हैं, हर एक स्ट्रीम का जो डिस्चार्ज है वो 1100 लीटर पर मिनट, इससे कम जो है वो नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना डिस्चार्ज जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। मिनिमम हेड की अगर हम बात करें, जो वाटर के लिए हेड अवेलेबल रहेगा वो 12 to 15 लीटर हम कम से कम कंसिडर करके चलेंगे, और इतना हेड अवेलेबल रहना चाहिए 4 से 5 घंटे तक, 4 to 5 hours तक यहाँ पर अवेलेबल रहना चाहिए। फायर डिमांड के अंदर पहला सवाल, जो जेट होंगी कितनी यूज करेंगे? 3 यूज करेंगे, एक जिस बिल्डिंग पर आग लगी, 2 उसके आसपास वालों पे। फिर उसके बाद उसका डिस्चार्ज कितना होगा? 1100 लीटर पर मिनट कम से कम इतना होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करेंगे मिनिमम हेड अवेलेबल जो होना चाहिए वो 12 to 15 मीटर होना चाहिए और 4 से 5 घंटे के लिए अवेलेबल होना चाहिए। फायर डिमांड की देखें अगर हम, तो इन जनरल आप देखें कि रोज रोज तो आग लगती नहीं है, तो ये तो जो है 1 लीटर पर कैपिटा पर डे तक भी नहीं जाता। पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा है सिटी की तो 1 लीटर पर कैपिटा पर डे भी नहीं जाएगा, लेकिन हमेशा ये पानी जो है वो अवेलेबल रहना चाहिए। जैसे ही आग लगती है तो फिर हमारे पास टाइम थोड़े ना होगा कि पहले पानी मंगवाओ, आग को तो बाद में देख लेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे। आपके पास वो वाटर जो है वो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आते हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे ये फॉर्मूले आपके, जिनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछते हैं। फायर डिमांड, कुशलिंग्स फॉर्मूला, फ्रीमैन फॉर्मूला, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स फॉर्मूला, बस्टन्स फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। पी की वैल्यू जो इसमें पुट करते हैं वो वैल्यू पुट की जाती है थाउजेंड्स में, ये आपको याद रखना है। पी की वैल्यू जो पुट की जाती है वो किसमें पुट की जाती है? थाउजेंड्स में। और जो आंसर आपका आता है वो किसमें आता है? लीटर्स पर मिनट के अंदर आता है। जैसे सवाल अगर आपसे पूछा गया कि आपको पॉपुलेशन बतानी है, 140,000 पॉपुलेशन अगर है उसके लिए कितना आपको फायर डिमांड होगी, तो यहां पर पी की वैल्यू जो आप यूज करेंगे वो पी की वैल्यू कितनी यूज की जाएगी? 140। तो पी जो है पॉपुलेशन पुट करेंगे इन थाउजेंड्स पुट करेंगे, 140,000 आपके पास पॉपुलेशन है, तो आपका आंसर पी का वैल्यू क्या हो जाएगी? 140। फिर उसको इन फॉर्मूलेज में आप पुट कर लीजिए, आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा इनके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज पुट करेंगे आप। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट। फिर उसके बाद आता है आपके पास, जैसे एक एग्जांपल आपको बता रखा है कि अगर पी को थाउजेंड्स में नहीं पुट करोगे तो आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा जो कि आपका गलत होगा। तो आंसर लीटर पर मिनट में आएगा और पी की वैल्यू थाउजेंड्स में आप पुट करेंगे यहां पर। फिर आते हैं पर कैपिटा डिमांड के ऊपर। पर कैपिटा डिमांड जो है पर पर्सन को कितना पानी की रिक्वायरमेंट है, उसकी डिमांड क्या है, इसकी बात करते हैं यहां पर। तो अगर पूरे सिटी को जितना पानी चाहिए, पूरी सिटी को जितना पानी चाहिए, आप ये कह लीजिए पूरी सिटी को जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो वो अमाउंट ऑफ वाटर पूरे साल में जितना चाहिए उसको डिवाइड अगर आप कर देंगे 365 से, तो एक दिन में कितना पानी चाहिए वो आ जाएगा। फिर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए पूरी सिटी को, या आप ये कह लीजिए टोटल वाटर यूज्ड बाय सिटी, टोटल वाटर यूज्ड बाय सिटी, पूरे शहर ने इन अ ईयर एक साल में जितना पानी यूज किया उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे 365 से, तो आपके पास आ जाएगा पूरे शहर ने एक दिन में कितना पानी यूज किया। फिर उसके बाद आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो आपके पास आ जाएगा एक पर्सन ने एक दिन में कितना पानी यूज किया यहां पर। तो टोटल ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सिटी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, मतलब एक पर्सन ने कितना पानी जो है पूरे साल में यूज किया, डिवाइड बाय 365 भी कर देंगे तो एक दिन में कितना यूज किया। तो आप पूरे साल के डेटा के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, एक दिन का एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो, इसीलिए हम क्या कह देते हैं इसे, एनुअल एवरेज वैल्यू जो है आप आ जाएगी एक दिन के लिए।
अब सिटी का साइज कितना है, किस टाइप की सिटी है, जो है कमर्शियलाइजेशन वहां पर कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। वहां का क्लाइमेट जो है वो कैसा है, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की, अगर आप क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई अच्छा पानी होगा तो लोग ज्यादा यूज करेंगे, पानी जो है अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो कम यूज करेंगे। प्रेशर अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ज्यादा रहेगा तो लोग ज्यादा यूज करेंगे। सिस्टम ऑफ सप्लाई हमेशा पानी अवेलेबल है तो लोग ज्यादा यूज करेंगे। इंटरमीटेंट है कि हाँ जी सुबह शाम दो दो घंटे पानी आ रहा है, या फिर जो है ऐसी नौबत आ गई है कई जगह, जैसे दिल्ली में भी ऐसा होता है कि हाँ बकेट्स भर भर के आपको रखनी पड़ती है कि हाँ सुबह पानी आ रहा है शाम को पानी आ रहा है। बैंगलोर में वाटर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसा कुछ अगर है तो उसके अकॉर्डिंग लोग कम यूज करेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन, गर्म वेदर अगर है वहां पर, क्लाइमेट जो है वो हॉट है अगर, तो पानी ज्यादा यूज होगा वहां पर। अगर वहां का कोल्ड एनवायरनमेंट है तो पानी कम यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर सकते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम डेली डिमांड मतलब डेली पानी कितना चाहिए, एक दिन में डेली पानी जो है वो कितना चाहिए, वो वैल्यू एट एन एवरेज जो आपके पास एवरेज डेली डिमांड आई है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1.8 से। तो किसी दिन, किसी एक दिन जब सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ गई वो डिमांड कितनी होगी। जैसे मान लीजिए कोई एक दिन होगा, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, ईद आ रही है, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है जब बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, घरों में क्लीनिंग चल रही है, या फिर वेदर ऐसा आ गया जैसे गर्मियां हैं तो गर्मी के अंदर कोई एक ऐसा सीजन आ गया जिस टाइम पर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है, तब आप कह देंगे कि वो मैक्सिमम डेली डिमांड, वो दिन जो है उस दिन सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। तो आप कह रहे हैं कि एवरेज वाली जो वैल्यू होती है उसका 1.8 टाइम्स आप इसको कंसीडर करते हैं। फिर उस मैक्सिमम वाले दिन, उस मैक्सिमम वाले दिन किसी एक पर्टिकुलर आर ऐसा होगा, एक पर्टिकुलर घंटा ऐसा होगा जिसमें सबसे ज्यादा पानी की जो है खपत हुई। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, जिस दिन सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है, उस दिन कोई पर्टिकुलर आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ी आपको, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम डेली कंजम्पशन, जो भी आपके पास मैक्सिमम डेली डिमांड आई 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज, जितना आपने मैक्सिमम डेली उस मैक्सिमम वाले दिन कितना पानी यूज करेंगे, 1.8 क्यों यूज करेंगे हम यहां पर, उसको डिवाइड कर देंगे 24 आवर्स में, डिवाइड कर दीजिए आप। आपके पास अभी सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को देखिए, मैक्सिमम डेली डिमांड, आपके पास ज्यादा से ज्यादा किसी दिन पानी की जरूरत कितनी पड़ सकती है, 1.8 क्यू। तो उस मैक्सिमम वाले दिन 1.8 क्यू पानी आप यूज करेंगे कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। अगर एक आवर में आपसे पूछे तो एक आवर में आपके पास कितना हो जाएगा, 1.8 क्यू बाई 24 आ जाएगा। तो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन अपॉन 24, यही चीज लिखी है यहां पर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आवरली वेरिएशन फैक्टर से। आवरली वेरिएशन फैक्टर से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम वाले दिन कितना पानी चाहिए, इतना, उसका एवरेज ले लीजिए 24 घंटे पर, उस मैक्सिमम वाले दिन पर एवरेज ले लीजिए, तो उस दिन मैक्सिमम पानी इतना चाहिए, 24 घंटे में चाहिए, तो एक घंटे में एट एन एवरेज इतना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करो आवरली वेरिएशन फैक्टर से कि उस घंटे में, उस पर्टिकुलर आवर में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ी तो वो कितना है। तो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन की, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन बाय 24, इसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड बाय 24 इनटू आवरली वेरिएशन फैक्टर। ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का सवाल आपसे पूछेगा, आवरली वेरिएशन फैक्टर कितना कंसीडर किया जाता है, 1.5 कंसीडर किया जाता है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड को आप लिखते हैं 1.8 इनटू एवरेज डेली डिमांड, उसके बाद 24 से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये आ गया 1.5 इनटू 1.8 क्यू बाय 24। ये सॉल्व करेंगे 1.5 1.8, ये आपके पास आ जाएगा 2.7 इनटू एवरेज डेली डिमांड बाय 24, 2.7 इनटू एवरेज डेली डिमांड बाय 24। अब एवरेज डेली को आप, एवरेज डेली डिमांड को 24 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, एवरेज आवरली डिमांड आ गया। तो इसी तरीके से अलग अलग फॉर्म में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने लिखा। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझ लीजिए, समझ में आ गया तो बता दीजिए, बताइए जल्दी से।
अच्छा यहां पर ये टाइपो है ना, P/10 यहां सही लिखा हुआ है, यहां गलत हो गया। बाकी तो सही है, P/10। नेक्स्ट, यहां पर P/10 होगा दोस्त, ठीक है, ये करेक्शन है। कुछ जगह, कुछ पुरानी जो बुक है उनमें P/5 दे रखा है, कुछ जगह P/10, तो जो लेटेस्ट है उसके अंदर P/10 है। लेटेस्ट के अकॉर्डिंग इट इज P/10। फ्रीमैन फॉर्मूला में 1136 P/10+10। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, लेटेस्ट वाली में ये दे रखा है, लेटेस्ट एडिशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट लाइन रिपीट करनी है, रिपीट करके मैं दोबारा बता देता हूं। कहानी हुई क्या कि किसी एक मैक्सिमम से मैक्सिमम वाले दिन, किसी साल में एक दिन जब सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट पड़ गई, आप ये कह लीजिए वो आपका मैक्सिमम डेली डिमांड हो गया। एट एन एवरेज आपको पानी जो है वो पूरे साल का डेटा आपने लिया, पूरे साल में पूरे शहर को कितना पानी चाहिए, फिर उसको पॉपुलेशन से डिवाइड किया तो पूरे साल में एक पर्सन को कितना पानी चाहिए, फिर 365 से डिवाइड किया तो एक पर्सन को एक दिन में कितना पानी चाहिए, वो है क्यू। अब इस क्यू को, जो आपकी एवरेज डेली डिमांड है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 तो आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम डेली डिमांड, एक दिन में सबसे ज्यादा पानी, ज्यादा से ज्यादा कितना पानी चाहिए। अब ये मैक्सिमम वाले दिन, ये क्या है, आपको मैक्सिमम वाले दिन इतना पानी चाहिए। अब मैक्सिमम वाले दिन आपको ये इतना पानी कितने घंटों में चाहिए, ये 24 आवर्स में चाहिए। अब इस मैक्सिमम वाले डे पर, मैक्सिमम वाले डे पर आप पूरे दिन में 1.8 क्यू पानी जो है वो यूज कर रहे हो, तो 24 आवर में आप इतना यूज कर रहे हो। अगर 1 आवर में आपसे पूछा जाए तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.8 क्यूब/24। मैक्सिमम वाले दिन में एट एन एवरेज देखेंगे तो पर आवर आप इतना पानी यूज करोगे, और उस मैक्सिमम वाले दिन में एट एन एवरेज आपने बोला ना, तो हो सकता है सुबह सुबह 8 बजे सबसे ज्यादा पानी यूज हुआ हो, तो वो 8 बजे वाला जो घंटा है, 8 से लेकर 9 बजे तक वाला, उस एक घंटे के अंदर कितना पानी यूज हुआ होगा, वो कितना होगा, दिस वन इंटू आवरली वेरिएशन फैक्टर, वो हुआ होगा दिस वन इंटू आवरली वेरिएशन फैक्टर। ये क्लियर, तो आवरली वेरिएशन फैक्टर आपको क्या बताता है, घंटों के हिसाब से वेरिएशन बता देगा कि एट एन एवरेज अगर आपका मैक्सिमम वाले दिन के ऊपर वो इतना लग रहा था, 1.8 क्यूब/24 लग रहा था, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी घंटे में कितना लग सकता है, वो 1.5 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है आपका कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या डिमांड, जिसको हम बोलते हैं, ये होता है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। टोटल ड्राफ्ट किसको बोलते हैं, इट इज मैक्सिमम ऑफ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, मतलब मैक्सिमम डेली डिमांड या फिर फायर डिमांड, यहां पर इसको मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट भी बोलते हैं कुछ जगह। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन, इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे टोटल ड्राफ्ट। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिटी इज जनरली एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर आप बताते हैं, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिटी, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिटी इज बेस्ड ऑन द वैल्यू मैक्सिमम ऑफ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट मैक्सिमम आवरली वेरिएशन। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिटी इज जनरली एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। तो दोबारा से चलते हैं, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट मतलब मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, तो ये तो हो गया आपके पास ऑप्शन बी, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के बाद मैक्सिमम आर्ली कंजम्पशन, मैक्सिमम आर्ली कंजम्पशन आपके पास ये हो गया, तो बोथ मतलब ग्रेटर ऑफ ए एंड बी, ग्रेटर ऑफ ए एंड बी, क्लियर, ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट, वाटर सप्लाई इंक्लूड्स, वाटर सप्लाई जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, आप पानी जो है उसको कलेक्ट करेंगे, उसको प्यार उसको ट्रीट करना है तो ट्रीट करेंगे, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहां पर, तो कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू कंज्यूमर्स, प्रोविजन ऑफ हाइड्रेंट्स फॉर फायर फाइटिंग, ऑल ऑफ द अबव। द रेशियो बिटवीन पीक आवरली डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड पर आवर इज, पीक आवरली डिमांड के बीच में, यानी कि मैक्सिमम वाले दिन एक कोई घंटा जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ी, पीक आवर वो वाला पीक आवर, तो उसके बीच में और जो आप मैक्सिमम डेली डिमांड वाला आर है, इसमें आप क्या कैलकुलेट करोगे, द रेशियो बिटवीन पीक आवरली डिमांड एंड मैक्सिमम डे डेली डिमांड पर आर इज 1.5। मैक्सिमम वाले दिन पर आर एवरेज कितना आया और पीक आर पर कितना आया, 1.5। नेक्स्ट,
द पीक डिमांड ऑफ वाटर इन इंडियन कंडीशंस इज, पीक डिमांड जो आप कंसीडर करते हैं वो कितनी कंसीडर होती है, 2.7 टाइम्स कहते हैं, 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज. नेक्स्ट, डिजाइन कैपेसिटीज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कितनी कैपेसिटी के लिए आप डिजाइन करते हैं ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. तो जो डैम और रिजर्वॉयर होता है ऑब्जेक्टिव में, ये सारे एक एक पॉइंट बनते हैं. डैम जो आप डिजाइन करेंगे, डैम या रिजर्वॉयर, सोर्स ऑफ सप्लाई में भी डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली कंजम्पशन, इसको किसके लिए डिजाइन करते हैं, एमडीडी, मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट या मैक्सिमम डेली कंजम्पशन के लिए आप यहां पर यूज करते हैं. कितना, 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज, 1.8 क्यू. उसके बाद बात आती है दोस्तों पाइप मेंस दैट टेक वाटर फ्रॉम सोर्स टू सर्विस रिजर्वॉयर एंड अदर ट्रीटमेंट यूनिट्स आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट, एमडीडी के लिए डिजाइन किया जाएगा. ये आपको शॉर्ट फॉर्म में भी दिया हो सकता है, एमडीडी. एमडीडी के लिए डिजाइन करेंगे जो भी मेन पाइप मेन्स होगा, जो सर्विस वाले जो रिजर्वॉयर हैं वहां तक पहुंचाएगा, जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको डिजाइन करेंगे एमडीडी के लिए. पंप्स में भी डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट प्लस कुछ एडिशनल रिजर्व, पंप्स जो है उनको मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट और कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व जो है उसके लिए आप डिजाइन करते हैं. जनरली 2Q कंसीडर कर लेते हैं, जनरली इसको 2Q, मतलब मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट तो आ गया 1.8Q, कुछ एडिशनल रिजर्व मतलब 2Q जनरली आप कंसीडर कर लेते हैं. फिल्टर्स एंड अदर यूनिट्स आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट प्लस सम एडिशनल रिजर्व, तो यहां पर भी आप 2Q यूज कर लेंगे इसको. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी डिजाइन फॉर टोटल ड्राफ्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन किया जाएगा टोटल ड्राफ्ट के लिए, जो कि किसके बराबर था, टोटल ड्राफ्ट विल बी मैक्सिमम ऑफ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट एंड मैक्सिमम आर्ली वेरिएशन. कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या था, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर. क्वालिटी पैरामीटर यानी कि गुणवत्ता के जो पैरामीटर्स हैं उनकी बात करते हैं. तो पानी की जो क्वालिटी है वो कैसी कैसी होनी चाहिए, तीन तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं. पानी देखने में आपको कैसा लग रहा है, देखने में आपको पानी जो है वो देखने में अजीब सा लग रहा है, गंदा लग रहा है, देखने में आपको उसका कलर जो है वो सही नहीं लग रहा, आपको देखने में उसमें पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल तैरते हुए नजर आ रहे हैं, आपको उसका टेम्परेचर जो है वो आपको अलग लग रहा है जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके अलावा, तो ये सारे पैरामीटर्स कौन से हो गए, फिजिकल पैरामीटर्स हो गए जिन्हें आप देख के आराम से बता सकते हैं. फिर आते हैं केमिकल पैरामीटर. हो सकता है पानी दिखने में एकदम क्लियर दिख रहा है लेकिन उसके अंदर हार्मफुल केमिकल है, वो एसिडिक हो सकता है, अल्कलाइन हो सकता है उसके अंदर, और जो अगर सॉल्ट्स की बात करें तो वो प्रेजेंट हो सकते हैं. तो कोई भी केमिकल्स अगर उसमें प्रेजेंट है और केमिकली वो वाटर अगर पीने लायक नहीं है, यूज करने लायक नहीं है, तो हम कह देंगे वो केमिकली इम्प्योर है. बायोलॉजिकल की बात करें तो वही है, देखने में पानी हो सकता है हमें साफ लगे लेकिन उस पानी के अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उनको हम कैसे चेक करेंगे और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डिसइंफेक्ट कैसे करेंगे, इसकी बात करेंगे यहां पर. तो क्वालिटी पैरामीटर्स की बात हो रही है. पहले हमने जाना, अभी तक जो हमने जाना था वो क्या जाना, कि पानी कितना चाहिए, डिजाइन लाइफ क्या होती है, डिजाइन पीरियड क्या होता है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्यों करनी है, ये सारी चीजें हमने जान ली. अब हम कह रहे हैं कि पानी जो है वो होना कैसा चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसकी, उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, फिर हम जानेंगे अगर पानी अच्छा नहीं है तो उसको ट्रीट कैसे करना है. तो अब बात करते हैं क्वालिटी पैरामीटर्स जो है वो आप क्या क्या रखेंगे. सबसे पहले अगर बात करेंगे आप फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर, फिजिकल पैरामीटर में सस्पेंडेड मतलब सस्पेंडेड जो पानी के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं पार्टिकल्स जो हैं, तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं उनको अगर हम बात करें तो वो 30 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए. सस्पेंडेड जो सॉलिड्स हैं वो 30 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए पीने योग्य जो पानी है उसके लिए. टर्बिडिटी की अगर आप बात करें तो टर्बिडिटी क्या होता है, पार्टिकल्स जो आपको रेंडमली मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं, जो कोलॉइड्स होते हैं मूव करते हुए नजर आते हैं, या ये कह लीजिए कि बचपन में जब हम पढ़ते थे साइंस के अंदर क्या पढ़ते थे, कि लाइट जो है अगर आप किसी टर्बिड वाटर के अंदर जिसमें टर्बिडिटी प्रेजेंट है लाइट अगर मारेंगे तो वो लाइट जो है या तो वो स्कैटर हो जाएगी या वो क्या हो जाएगी, अब्सॉर्ब हो जाएगी. इस फिनोमिना को आप कह देते हो कि वो टर्बिडिटी है. किसके कारण हुए, वो जो पार्टिकल्स है उनके कारण हुए. तो क्यों टर्बिडिटी हमें पसंद नहीं आएगी, तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, एस्थेटिक नहीं होगा, वो उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी, एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग होगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा वो. फिर उसके बाद अगर टर्बिडिटी प्रेजेंट है, ये पॉइंट्स मैं क्यों बता रहा हूँ, कहानियां हैं लेकिन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल आते हैं इनमें से, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग. उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो एक साइट की तरह काम करेंगे, एक जगह की तरह काम करेंगे जहां पर आके बैक्टीरिया रह सकता है या जो भी पैथोजेंस होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो होंगे या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो वहां पर आएंगे और उसके ऊपर आके ग्रो कर सकते हैं. यहां पर दे में भी बायोलॉजिकली एक्टिव, वो खुद वो जो पार्टिकल है वो खुद बायोलॉजिकली एक्टिव हो सकते हैं जो खुद डिजीज कॉज कर देंगे यहां पर. और
इन नेचुरल वाटर बॉडीज अगर टर्बिडिटी प्रेजेंट है, तो टर्बिडिटी प्रेजेंट है अगर, तो सनलाइट प्रॉपरली नहीं जा पाएगी उस सॉइल उस वाटर के अंदर। अगर किसी रिवर में मान लीजिए बहुत ज्यादा टर्बिडिटी प्रेजेंट है, तो सनलाइट नीचे तक नहीं जा पाएगी रिवर बेड तक, तो वहां पर जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी, एक्वेटिक प्लांट्स तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी, तो वो प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। प्लांट्स की डेथ हो जाएगी तो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वो क्या हो जाएंगे, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसके अंदर उनकी लाइफ भी इंपैक्टेड होगी यहां पर। तो इसीलिए ये जो है अच्छी बात नहीं होती टर्बिडिटी होना। टर्बिडिटी इन वाटर इज ड्यू टू किसके कारण होती है, जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं इनके कारण टर्बिडिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों जो क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर की, तो एक छोटी सी प्यारी सी टेबल मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं और मिलेंगे। क्लियरली नहीं दिख रही तो आगे दोबारा आएगी ये टेबल, ठीक है, फिर भी मैं वैल्यूज आपको बता देता हूं यहां पर। अभी क्यों बता रहा हूं, ताकि जब क्वेश्चन आए इसके तो आपको याद हो। अगर हम बात करें कलर की, कलर को इमेजिन करते हैं हम हेजन यूनिट्स के अंदर, और ये दो टाइप की लिमिट होती है, एक होती है एक्सेप्टेबल लिमिट, एक क्या होती है एक्सेप्टेबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट का मतलब क्या है कि किसी पानी के अंदर सो एंड सो लिमिट होनी चाहिए, सो एंड सो मटेरियल की, सॉल्ट की या जो भी वैल्यू है, तो उतनी एक्सेप्टेड है, उतनी होगी तो चल जाएगी, हम उसको यूज कर लेंगे। फिर आता है हमारे पास परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट का मतलब क्या है, जैसे यहां देखें कलर की एक्सेप्टेबल लिमिट है 5, कलर की 5 आपको दे रखी है कि 5 यूनिट एक्सेप्टेबल है। 5 से अगर ज्यादा हुई और आपके पास अगर कोई और अल्टरनेट सोर्स नहीं है, आपके पास अगर मान लीजिए 3 सोर्स हैं, आपके गांव से नदी भी जा रही है, कुआं भी है वहां पर, और एक हैंडपंप भी है, एक सोर्स और है, 3 सोर्स हैं आपके पास, तो किसी एक सोर्स के अंदर जो कलर है वो है 5 हेजन से कम, एक में है 5 से ज्यादा, एक में है 15 से ज्यादा, तो 15 से ज्यादा वाला तो यूज ही नहीं करेंगे। आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप सबसे कम वाला ही यूज करेंगे ऑब्वियसली। ये तो बात हो गई कि एक्सेप्टेबल लिमिट, तब तो आप चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, एक्सेप्टेबल लिमिट, जो 5 से कम वाली वैल्यू होगी वो पानी आप यूज कर लेंगे। फिर आता है दोस्तों आपके पास परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट का मतलब है कि सोर्स एक ही है आपके पास, सिर्फ एक ही सोर्स है पानी का, वहीं से आप यूज कर सकते हैं। तो सिंगल सोर्स हो, जब आपके पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स अवेलेबल ना हो, दूसरा कोई और सोर्स ना हो, तो उस केस में आप 15 तक, उस केस में आप परमिसिबल लिमिट तक जा सकते हो, और परमिसिबल लिमिट पर आप बेसिकली वहां पर जो है क्या कर लेंगे, एक बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो आप यूज कर लेंगे। क्लियर, उससे ज्यादा होगा तो रिजेक्ट कर देंगे, फिर यूज ही नहीं करेंगे, कॉज फॉर रिजेक्शन। चले आगे बढ़े, देखो तो कलर के बारे में याद कर लीजिए 5 और 15। ऑर्डर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑर्डर जो है वो चल सकता है, अगर बैड स्मेल आ रही है तो वो चल सकता है, उसके लिए ट्रीटमेंट आप कर लेंगे यहां पर, अगर बहुत ही ज्यादा खराब ना हो तो। यहां पर एग्रीबल है ऑर्डर, उसके अंदर स्मेल जो है वो एग्रीबल। पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो 6.5 से 8.5 पीएच की बात करें अगर हम, तो वो कितना, 6.5 से 8.5 के बीच में पीएच जो है वो लाई करनी चाहिए, और यही इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है, यही इसकी कॉज फॉर रिजेक्शन है, उससे ज्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, 6.5 से 8.5। टर्बिडिटी की अगर हम बात करें तो टर्बिडिटी जो है वो 1 NTU और 5 NTU, 1 जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट है, कोई और अल्टरनेट सोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 5 NTU तक जा सकते हो। TDS की अगर हम बात करें, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की अगर हम बात करें, तो ये 500 मिलीग्राम पर लीटर है। ये सब के सब पॉइंट अपने आप में एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। 500 मिलीग्राम पर लीटर टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जो है इनकी एक्सेप्टेबल लिमिट है। कॉज फॉर रिजेक्शन या परमिसिबल लिमिट की अगर हम बात करें तो ये आपके पास कितना आ जाता है, 2000। तो 2000 से ज्यादा वैल्यू होगी तो यूज ही नहीं करेंगे, ट्रीट ही नहीं करेंगे फिर तो। और अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है, सिर्फ एक ही सोर्स है पानी का, तो उस केस में 2000 तक अगर है तो उसको हम ट्रीट करके और फिर उसके बाद उसको यूज कर लेंगे हम यहां पर। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस टू पासेज ऑफ लाइट थ्रू वाटर। तो टर्बिडिटी का टेस्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक 8th 9th वाले जो CBSE वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में पढ़ रहे हैं हम, पहला सस्पेंडेड पार्टिकल पढ़ा, दूसरा टर्बिडिटी। टर्बिडिटी जो है आप टर्बिडिटी रोड से पता कर सकते हो, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर और बेली टर्बिडिटी मीटर और नेफेलोमीटर, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम बात करें दोस्तों टर्बिडिटी रॉड की, तो टर्बिडिटी रॉड जो है कुछ इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई देती है। इसके अंदर प्लेटिनम नीडल होती है, आप इसके अंदर डिप करेंगे इसको, जहां तक जाके ये प्लेटिनम नीडल दिखनी बंद हो जाए वो आप यहां पर
वैल्यू जो है वो रीडिंग आप नोट कर लेंगे। इनकी ग्रेजुएशन जो है वो इस तरीके से होती है कि 1 mg/L इक्वल्स टू 1 ppm, यानी कि 1 mg/L के अंदर या ppm के अंदर वो ग्रेजुएशन जो है दे रखी होती है। तो जितनी डेप्थ आती जाएगी उतनी रीडिंग की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करती जाएगी। जितनी डेप्थ की वैल्यू मतलब जितनी दूर तक डेप्थ पर तक जाके भी अगर आपको नीडल क्लियरली दिख रही है, इसका मतलब पानी जो है वो ज्यादा साफ है, टर्बिडिटी कम है। तो जैसे जैसे डेप्थ ऑफ इंसर्शन जो है वो इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे रीडिंग जो है वो डिक्रीज करती है। अगला ऑब्जेक्टिव सवाल जो पूछा जाता है आपसे, टर्बिडिटी को किस स्केल पर मेजर किया जाता है। टर्बिडिटी विच 1 mg ऑफ सिलिका प्रोड्यूसेस इन 1 L ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज टेकन एज 1 यूनिट। टर्बिडिटी को किसको कहेंगे कि एक यूनिट, जैसे आप कहते हैं ना 1 kg, तो ऐसा यूनिट में आपके पास एक्सटेंडेड वेट है, एक्सटेंडेड मास है, कि हाँ इतने मास को हम कहेंगे कि वो 1 kg है। इसी तरीके से आप किसको कहेंगे कि 1 यूनिट ऑफ टर्बिडिटी है। तो 1 mg सिलिका जो 1 L पानी में जितनी टर्बिडिटी क्रिएट करता है उसे आप कहोगे 1 यूनिट, आप कहते हो यहां पर। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया है। एज डेप्थ ऑफ इंसर्शन इंक्रीजेस रीडिंग डिक्रीज करती है टर्बिडिटी रॉड की, ये भी आपको याद रखना है। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर की अगर हम बात करें यहां पर, तो जब टर्बिडिटी ज्यादा होती है 25 ppm से भी ज्यादा होगी, 25 mg/L से भी ज्यादा होगी, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। यहां से एक फ्लेम जल रही है, आग जल रही है, तो इसके अंदर आप ट्यूब के अंदर पानी डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, तो वो मोमेंट आपको देखना है जब आपको वो दिखना बंद हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं और टर्बिडिटी जो है वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेलीज टर्बिडिटी मीटर या फिर नेफेलोमीटर। तो इनके अंदर बहुत कम टर्बिडिटी, 1 ppm से भी जो कम होती है टर्बिडिटी, वो हम पता कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, अगर 1 ppm की बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो टर्बिडिटी हमने क्या कहा, इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो कितनी है, 1 mg/L। मतलब जो हमारे पीने योग्य पानी है उसके लिए 1 mg/L है टर्बिडिटी की जो लिमिट है। तो आप कह सकते हैं कि बेली टर्बिडिटी मीटर और जो नेफेलोमीटर है, ये 1 ppm से कम की टर्बिडिटी को भी पहचान लेते हैं, इसीलिए हम इसको डोमेस्टिक सप्लाई के अंदर इनको यूज करते हैं। बेली टर्बिडिटी मीटर को और नेफेलोमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं। यूनिट जो है वो नेफेलोमीटर टर्बिडिटी यूनिट NTU की टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। जैक्सन को यूज कर रहे हैं तो जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट JTU हो जाएगी आपके पास। एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करें तो 1 mg/L, कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करें तो 5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ऑन विच स्केल टर्बिडिटी इज मेजर्ड। अब वही सवाल आ गया, टर्बिडिटी को किस स्केल पर मेजर किया जाता है। तो टर्बिडिटी इन विच 1 mg ऑफ सिलिका प्रोड्यूसेस इन 1 L ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज टेकन टू बी 1 यूनिट। तो स्टैंडर्ड सिलिका स्केल के ऊपर इसको मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। नेक्स्ट आगे बढ़े, टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाय कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा और मैग्नीशियम प्रेजेंट रहेगा, इन कैटायन के साथ में अगर आ गए क्या, कार्बोनेट बाय कार्बोनेट, तो ऐसे केस में जो हार्डनेस इंड्यूस होती है वो क्या कहलाती है, टेम्परेरी। अगर इनके साथ ऐड हो गए क्लोराइड, ऐड हो गए सल्फेट, ऐड हो गए और क्या ऐड हो जाते हैं आपके पास, नाइट्रेट जो है ये ऐड हो गए, तो आप क्या कह देंगे यहां पर, क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट ये सब जब आ जाते हैं तो आप कह देते हैं वो परमानेंट हार्डनेस हो जाती है, देन इट इज व्हाट, परमानेंट हार्डनेस। क्लियर? नेक्स्ट, कलर, कलर की अगर बात करें तो पहला सवाल जो है वो आ जाता है आपके पास, कलर इज मेजर्ड यूजिंग टिंटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका यूज करते हैं, टिंटोमीटर। टिंटोमीटर से कलर जो है वो मेजर किया जाता है। कलर की यूनिट की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, या तो हेजन या फिर TCU, ट्रू कलर यूनिट्स, या फिर किसमें मेजर करते हैं हम, हेजन के अंदर अगर इसको हम मेजर करते हैं। तो अगर कलर की बात करें दोस्तों, कलर की अगर हम बात करें, एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो कितनी है, 5। परमिसिबल लिमिट या फिर कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करें तो 15 है आपके पास यहां पर। तो देखिए इसको आप करेक्ट कर लीजिए, यहां पर 15 लिख लीजिएगा। और कभी कभी ये जो वैल्यूज होती हैं, कहीं 15 कहीं 25, ये आपको क्यों मिलती है वेरिएशन, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के अकॉर्डिंग है, कोई WHO के अकॉर्डिंग है, तो ये वेरिएशंस जो आपको कभी कभी अगर बुक्स में अलग अलग दिखते हैं तो उनका कारण ये होता है। 5 TCU और 15 TCU, कॉज फॉर रिजेक्शन आप बात करेंगे तो 15 TCU आपके पास हो जाएगा।
कलर, अगर सवाल ऐसा आता है ट्रू कलर किसको बोलते हैं, ट्रू कलर जो डिजोल्व सॉलिड जो अच्छे से डिजोल्व भी हो गया उसके अंदर वो क्या हो जाता है, ट्रू कलर देता है। जैसे आप क्या कर लीजिए, एक ग्लास और पानी लेके उसमें इंक डिजोल्व कर दीजिए तो वो अच्छे से उसके अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, तो वो क्या हो गया यहाँ पर उसका ट्रू कलर देगा क्योंकि वो डिजोल्व हो गया। अगर आप मिट्टी डाल दीजिए, पानी के अंदर मिट्टी डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा घुमाइए तो वो अपेरेंट कलर है, सस्पेंडेड है वो पार्टिकल। जब वो पार्टिकल सेटल हो जाएंगे तो वापस से पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा यहाँ पर, तो वो अपेरेंट कलर हो गया उसका। कलर ऑब्जेक्शनेबल क्यों है, कलर आपको पता है कि देखने में ही अच्छा नहीं लगता। फिर अगर आप बात करेंगे कलर अगर जो है वो कुछ सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके कार्सिनोजेनिक हो सकता है, कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स जो है बना सकता है, तो हमारी हेल्थ के लिए वो नुकसानदायक होता है। आयरन ऑक्साइड गिव्स रेडिश कलर, आपको पता है आयरन ऑक्साइड रेडिश कलर देगा। मैंगनीज जो है वो कैसा कलर देता है, ब्राउन ब्लैक कलर जो है वो आपको पानी को देगा। ह्यूमिक एसिड अगर प्रेजेंट है उसके अंदर तो वो येलोइश ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा उसका। और फिर यूनिट और इसकी बात हो गई यहां पर, एक्सेप्टेबल लिमिट 5 TCU, कॉज फॉर रिजेक्शन 25, इट शुड नॉट बी प्रेफरेबली ग्रेटर देन 15, 15 से ज्यादा जो है यानी कि परमिसेबल लिमिट आपको यहां पर बता रखी है, इट शुड नॉट बी प्रेफरेबली ग्रेटर देन 15। नेक्स्ट, टिंटोमीटर इज यूज्ड फॉर कलर, कलर के लिए टिंटोमीटर जो है वो हम यूज करते हैं। टेस्ट एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टेस्ट और ऑर्डर, टेस्ट में मतलब पानी जो है वो कैसा होना चाहिए, टेस्टलेस होना चाहिए। अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो पानी जो है वो कैसा होना चाहिए, टेस्टलेस। ऑर्डर की बात करें स्मेल, तो उसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो टेस्टलेस ऑर्डरलेस होना चाहिए पानी। किसके कारण टेस्ट खराब होगा या स्मेल जो है वो बैड स्मेल आती है, तो ये आप याद ही रख लीजिए हमेशा के लिए। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है, मीथेन प्रेजेंट है, तो इनके कारण क्या होती है, ये बैड स्मेल क्रिएट करती हैं, ये गैसेस क्या करती हैं, बैड स्मेल क्रिएट करती हैं। एक सेकेंड, ये बैटरी बार बार कैमरा डिस्चार्ज दिखा रहा है। चार्जर कनेक्ट हो गया, वैसे तो अगर स्क्रीन ब्लैंक चली जाए तो धैर्य बनाए रखें, मतलब वो कैमरा बंद हो गया है, वो दोबारा चलेगा। ठीक है, हुआ कुछ नहीं है। अरे हाँ दोस्त, फ्रूड की पीडीएफ जो है वो अभी तक अपलोड नहीं हुई है, अपलोड कर देंगे। टेक्नीशियन को बुलाया जाए, आधी रात को कौन टेक्नीशियन आएगा। चलो स्टिल वो जो ब्लिंक कर रही है बहुत भयंकर तरीके से उसकी लाइट, आई होप वो बंद ना हो, चार्जिंग तो स्टार्ट हो गई है उसकी। टेस्ट एंड ऑर्डर पे थे, टेस्ट एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो टेस्ट और ऑर्डर है वो भी किसके कारण ऑब्जेक्शनेबल होता है, क्योंकि टेस्ट और ऑर्डर के कारण जो है वो कुछ गैसेस प्रेजेंट हो सकती है उसके अंदर, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग हो या कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो इसलिए वो ऑब्जेक्शनेबल होते हैं। यहाँ पर किससे मेजर करते हैं, टेस्ट एंड ऑर्डर आर मेजर्ड बाय ऑस्मोस्कोप, किससे मेजर किया जाएगा, ऑस्मोस्कोप से हम मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है आपसे पूछा जा सकता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड पूछा गया है। तो इसमें आप थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, आपको यूनिट याद रखनी है किसमें मेजर करते हैं, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। पहले की तरह स्टूडियो कब चालू होगा, अब स्टूडियो घर पे लगवा लिया, अब नहीं चालू होगा, अब ऑफिस वाला सिस्टम नहीं रहेगा। देखो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर TON में हम मेजर करते हैं जो आपका टेस्ट और ऑर्डर होता है इसको। इसमें क्या करेंगे, एक तो आपके पास होता है गंदा पानी जिसमें से स्मेल आ रही है, एक होगा एकदम प्योर बिस्लेरी वाला पानी। तो आप क्या करोगे, जो
जो स्मेल वाला पानी है उसमें साफ पानी आप ऐड करते जाओ ऐड करते जाओ, उस पॉइंट तक आप ऐड कर दो जब स्मेल जो है वो हार्डली डिटेक्ट हो पाए। तो ए इज वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस वाटर जिसमें से स्मेल आ रही है, बी इज वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर फ्री वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मिक्सचर इन विच ऑर्डर इज हार्डली डिटेक्टेड, कितना पानी आप ऐड कर दें कि उसके बाद उसकी ऑर्डर जो है वो डिटेक्ट ही ना हो पाए, तो ये आपके पास बी होगा। तो ए प्लस बी अपॉन ए आप कहते हो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल क्या कहता है, ये वैल्यू एक से तीन के बीच में रहनी चाहिए, ये वैल्यू एक से तीन के बीच में रहनी चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट, फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें दोस्तों तो टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर का वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है आप गर्म पानी पीते ही हो तो वैसे ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर अगर जब पानी सप्लाई हो रहा है हमारे घर तक तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसके अंदर क्या रहती है, जो जो भी छोटे मोटे अगर कोई जर्म्स आ गए या अगर कोई केमिकल्स प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर पर वो फास्टर हो जाती हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर जब आप सप्लाई कर रहे हैं तो वो 20 डिग्री तक रहना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन 10-20 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री से ज्यादा अगर होता है तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्शनेबल होता है। 25 डिग्री से अगर ज्यादा होगा तो दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। ये थे फिजिकल पैरामीटर्स। केमिकल पैरामीटर पे आएंगे तो डिसॉल्व सॉलिड, यहां पर सॉलिड पार्टिकल को केमिकल पैरामीटर में डाला गया, जहां पर भी पार्टिकल जो है वो बहुत छोटा होता है, जहां पर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाता है तो वहां पर हम कह देते हैं कि वो उसकी एक तरीके से ये कह लीजिए केमिकल प्रॉपर्टी बन गई, वो क्या बन गई, उसकी एक तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी बन गई। तो डिसॉल्व सॉलिड जो है उसको हम केमिकल पैरामीटर में पढ़ते हैं, उसके बाद में जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं सस्पेंडेड या सेटलिएबल उनको हम किसमें कंसिडर करते हैं, फिजिकल पैरामीटर में कंसिडर करते हैं। फिर पीएच आ गया, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, क्लोराइड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फ्लोराइड, मेटल्स एटसेट्रा, इनको एक एक करके देखते हैं। डिजोल्व सॉलिड की अगर क्वांटिटी की बात करें तो डिजोल्व सॉलिड जो आपका है एक्सेप्टेबल लिमिट इसकी होती है कि 500 मिलीग्राम पर लीटर, 500 मिलीग्राम पर लीटर तक चल जाएगा, उससे ज्यादा अगर है तो फिर आप करेंगे 2000 तक सहन किया जाएगा, ट्रीटमेंट करेंगे उसका, 2000 से ज्यादा है तो फिर ट्रीट भी नहीं करेंगे। तो डिजोल्व सॉलिड अगर 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो उसको रिजेक्ट ही कर देंगे, और 500 मिलीग्राम पर लीटर तक है तो चल जाएगा। पीएच आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अगर पीओएच की बात करें तो पीओएच भी आप जानते हैं, पीओएच किसके बराबर होता है, पीओएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग OH- की जो कंसेंट्रेशन है ये आप POH कैलकुलेट करते हैं। तो SSC के अंदर ऐसे सवाल जो आते रहते हैं अक्सर कि हाँ pH कैलकुलेशन से रिलेटेड, आपको H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन दे रखी होगी आप कैलकुलेट कर लेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव सवाल डिजॉल्व सॉलिड की कंसेंट्रेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव सवाल pH की जो रेंज है वो कितनी रहेगी, तो वो आपकी रहेगी 6.5 से लेके 8.5 तक, 6.5 से लेके 8.5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH को जो आप डिटेक्ट करते हैं, pH कैन बी मेजर्ड बाय कलर्ड इंडिकेटर्स लाइक मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, ये आपको याद रहता है, लेकिन अगर वर्किंग रेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक रेंज में काम करता है और इसकी वर्किंग रेंज क्या होगी, 3.1 से लेके 4.4। अगर हम बात करें फिनोफ्थलीन की तो वो होती है 8.6 से लेके 10.3। अब थोड़ी बहुत ये वैल्यूज जो है ऊपर नीचे हो जाती है तो परेशान नहीं होना है आपको कि मैंने तो किसी बुक में देखा था 8.5 से 10.1 दे रखी है, थोड़ी बहुत वैल्यूज जो है वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है लेकिन रेंज लगभग यही है, रेंज लगभग यही है 8.6 से लेके 10.3। मिथाइल ऑरेंज की बात करें 3.1 से 4.4। द प्रोडक्ट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस एंड ओ एच माइनस आयंस इन अ स्ट्रॉन्ग एल्कली इज, अगर स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो आपको पता है 7 से कम पीएच जो है वो एसिड हो जाता है, और 7 से ज्यादा अगर है तो आप कह देते हो एल्कली, अगर स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो 10^-4, तो यहां पर इसकी पीओएच कैलकुलेट कर लीजिए वो आ जाएगी कितनी, पीएच कैलकुलेट कर लीजिए, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 10^-14। स्ट्रॉन्ग एल्केली की बात कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलना है, फास्ट चलते हैं। वॉट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एसिडिटी इन वॉटर, एसिडिटी का जो मेन स्रोत होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सी वाटर की जो पीएच होती है वो कैसा होता है, सी वाटर आपको पता है एल्केलाइन होता है, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, तो 7 से ज्यादा होगी, 7.5 से लेके 8.4 के बीच में। किस रेन को आप कहेंगे कि वो एसिड रेन है, अगर उसकी पीएच 4.5 से कम होती है तब आप कहेंगे कि दैट रेन इज एसिड रेन। फिर सस्पेंडेड सॉलिड किसको कहा जाता है, अलग अलग टाइप के सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे तो सारे सॉलिड जितने भी हैं उनको तो कह देते हैं टोटल सॉलिड, जितने भी सॉलिड होंगे वो सारे टोटल हो गए। सस्पेंडेड जिनका साइज जो है वो 100 न्यूटन मीटर से 100 नैनोमीटर
नैनो मतलब 10^-9। 100 नैनोमीटर से अगर साइज उनका ज्यादा है तो आप उन्हें कह देते हैं सस्पेंडेड सॉलिड। डिजॉल्व सॉलिड की अगर बात करें तो 1 नैनोमीटर से कम है। उसके बाद 1 से लेके 100 आ जाते हैं आपके पास कोलोइडल, 1 से लेके 100 कोलोइडल। सेटलिएबल सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनको अगर छोड़ दिया जाए कितने के लिए, कितने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए, तो वो सेटल हो जाते हैं। सेटलिएबल सॉलिड्स ऐसे सॉलिड होते हैं 2 घंटे के लिए अगर मत छेड़ो उनको तो वो सेटल हो जाते हैं, तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं सेटलिएबल सॉलिड। नेक्स्ट आते हैं एल्केलिनिटी पे। एल्केलिनिटी, ये केमिकल पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, ये बस ऐसे बीच में बता दिया आपको कि डिजॉल्व सॉलिड कौन से हैं। इनमें केमिकल पैरामीटर सिर्फ ये है, बाकी सारे तो फिजिकल में आ जाते हैं। केमिकल पैरामीटर में सिर्फ डिजॉल्व आएगा, ये तो हमने बस सॉलिड्स के साथ साथ में देख लिया। अब अगला केमिकल पैरामीटर आता है एल्केलिनिटी। एल्केलिनिटी के अंदर जो आपको पता है कि कौन से आयन ऐसे हैं, अगर आप वैसे बात करें एसिड बेस या फिर एल्केलिनिटी की टर्म्स में अगर आप बात करें, तो कौन से ऐसे आयन्स हैं जो आपके पास H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो वो आपके पास होते हैं मेजॉरिटी, मुख्य रूप से 3 होते हैं, कार्बोनेट, बायकार्बोनेट, OH-। कार्बोनेट, बायकार्बोनेट, OH-, SSC का एक सवाल याद रहेगा सबको। ठीक है, कार्बोनेट, बायकार्बोनेट, OH- याद रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो सुर्ख लाल अक्षरों में जो आपको दिख रखा है इसीलिए लिख रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको पता है कार्बोनेट H पॉजिटिव के साथ क्या बना देता है, HCO3- बना देगा, फिर उससे आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर, एक HCO3- जो है ये एक और H प्लस के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना देगा। तो इस तरीके से ये एल्कली हैं, ये क्या है, एल्कली हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं H पॉजिटिव के साथ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। हाइड्रोजन सल्फाइड भी आपके पास, HPO4- भी आपके पास, लेकिन मेजॉरिटी, मेजर रूप से जो एल्केलिनिटी है वो किसके कारण है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, OH- याद होना ही होना चाहिए, फिक्स सवाल है ये। फॉर एल्केलिनिटी मेजरमेंट, एल्केलिनिटी को मेजर करने के लिए, अब इसमें थोड़ी सी लंबी कहानी चलेगी जो 12th की हमारी जो केमिस्ट्री है वो आ जाती है यहाँ पर, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो बस स्टेटमेंट याद रख लीजिए आप। एल्केलिनिटी मेजरमेंट के लिए आप 0.02 नॉर्मेलिटी का, 0.02 नॉर्मेलिटी का H2SO4 इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन टाइट्रेशन 1 ml ऑफ एसिड, दैट इज 0.02 नॉर्मल H2SO4 gives 1 mg per liter value of alkalinity expressed in terms of calcium carbonate. Alkalinity को express किया जाता है किसकी term में, calcium carbonate की terms में alkalinity को express किया जाता है। तो पहला objective सवाल, alkalinity के measurement के लिए कौन सा acid use होता है, तो वो होता है H2SO4। किस normality का use होता है, 0.02 normality का use होता है। alkalinity को किसकी terms में express करते हैं, calcium carbonate की terms में express करते हैं। एल्केलिनिटी मुख्य रूप से किस किस के कारण होती है, तो वो होती है कार्बोनेट, बायकार्बोनेट और OH- के कारण। कार्बोनेट, बायकार्बोनेट, OH- के कारण एल्केलिनिटी मेजरली होती है। ठीक है, इतने सवाल एल्केलिनिटी से यहां से पूछे जा सकते हैं। एल्केलिनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर, किसकी टर्म्स में बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में। कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों सिलेक्ट किया गया, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, CaCO3 का, HHELiBBCNOFNENAMG, इस तरीके से आपने याद किए होंगे। हंड्रेड, परफेक्ट, 100 होता है, और फिर इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट जो कि 50 होता है। विच केमिकल इंडिकेटर टर्न्स वाटर इनटू पिंक कलर इफ द पीएच इज मोर देन 8.3। पीएच अगर 8.3 से ज्यादा है, बेसिक रेंज में बात हो रही है, तो फिनोफ्थलीन 8.3 से अगर ज्यादा है पीएच, मतलब 8.6 से लेके 10.3 है, तो फिनोफ्थलीन की बात हो रही है यहां पर, वाटर को पिंक कलर में चेंज कर देता है। अब ये पिंक में कौन सा पिंक है, हॉट पिंक है, मेजेंटा पिंक है, पता नहीं कौन सा पिंक है, पिंक में चेंज कर देता है बस ये। ठीक है, नेक्स्ट, द मेजर पोर्शन ऑफ एल्केलिनिटी इन नेचुरल वाटर इज कॉज्ड बाय, मेजॉरिटी जो एल्केलिनिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, एल्केलिनिटी जो होती है मेजरली वो किसकी वजह से होती है,
एल्केलिनिटी इज मेजरली ड्यू टू हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH माइनस, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ये जो टाइटल है ना ये गलत लग गए हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग नहीं है ये, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग चल रही है, तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। फिर उसके बाद आते हैं स्टोशियोमेट्री के प्रिंसिपल, इससे रिलेटेड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में कुछ दिन पहले स्पेशल क्लास में हमने किए थी, स्पेशल क्लास जो है एक अलग से केमिस्ट्री की क्लास रखी थी जिसमें ये सारे स्टोशियोमेट्री के जो भी प्रिंसिपल यूज होते हैं इनको डिस्कस किया था, बिल्कुल केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातें। तो अभी एग्ज़ाम आ गया है तो अभी ज़रूरत नहीं है आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की। अगर इच्छा शक्ति हो कि हाँ ये सारी चीज़ें स्टोशियोमेट्री है, कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोल्स, मतलब मोल्स, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट वेट, ये सारी बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातों से लेके हमने सारी चीज़ें जो है वहाँ पर पढ़ रखी हैं, तो एग्ज़ाम के बाद अगर आप फिर से जो है अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। H2 है अगर, तो H का जो मॉलिकुलर वेट है वो 1 होगा, H2 का 2 हो जाएगा, 2H2 का 4 हो जाएगा। O2 की अगर बात करें तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, O2 का हो जाएगा आपके पास 32। तो इस तरीके से आप इनके मॉलिकुलर वेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। जैसे कैल्शियम है, इसका मॉलिकुलर वेट है 40, वैलेंसी है, इसके ऊपर चार्ज कितना है +2, तो 40/2 हो जाएगा आपके पास 20। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट आता है 100, वैलेंसी होगी इसकी चार्ज इतना कितना है इसके ऊपर 2, तो 50 आ जाता है आपके पास। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग टू गिव 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टेंट। इस तरीके से हम यहां पर इनके बीच में रिलेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे गिवन वेट को आप इक्विवेलेंट वेट में आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 210 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आपको दे रखा है, तो कार्बोनेट का 210 ग्राम है तो आप इसे ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके बराबर होता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट आपके पास कितना है? 210। इक्विवेलेंट वेट जो है वो कार्बोनेट का कितना हो जाएगा? 60 अपॉन चार्ज, मॉलिक्यूलर वेट 60, चार्ज कितना? 2। तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो है ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे आपके पास। इसी तरीके से 122 ग्राम HCO3 माइनस दे रखा है, तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो है ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, तो गिवन वेट आपके पास 122 है, इक्विवेलेंट वेट आपके पास कितना हो जाएगा? 61/1, 61 उसका मॉलिक्यूलर वेट, वैलेंसी कितनी? 1, तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, तो ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। 68 ग्राम ऑफ OH माइनस की बात करें तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट पुट करेंगे 68/17/1, मॉलिक्यूलर वेट वैलेंसी 17/1, तो आपके पास ये आ गया 4 ग्राम इक्विवेलेंट। तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास आ गए 13। अब इन 13 ग्राम इक्विवेलेंट को इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट, अभी आवाज आ रही होगी? हाँ, ऐसे किसी का कमेंट नहीं आ रहा, लाइट गई, कैमरा बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब पार्टिसिपेशन 100%। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट में इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन एग्जाम टाइम में अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें अभी बस की बाहर की हैं तो अभी मत इनमें पढ़ो, सिर्फ वैल्यूज जो याद रखनी है आपको उन पे चलते हैं अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा आपके पास हार्डनेस। हार्डनेस 2 प्रकार की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो कैटायन तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आ गए तो आप कहते हो टेम्परेरी हार्डनेस। अगर उनके साथ क्लोराइड आ गया, नाइट्रेट आ गया, सल्फेट आ गए तो आप कह देते हो वो परमानेंट हार्डनेस या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस यहां पर। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग वाटर सैंपल अगेंस्ट 0.01 मोलैरिटी। 0.01 मोलैरिटी का आप यूज करते हैं इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। और इसके साथ जो इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है वो इंडिकेटर होता है आपके पास EBT, एरियोक्रोम ब्लैक टी।
पहला ऑब्जेक्टिव सवाल, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आ जाएगा, टेम्परेरी हार्डनेस। दूसरा ऑब्जेक्टिव सवाल, इसके अंदर आप हार्डनेस जो आप पता करते हो वो किसकी मदद से आप पता करते हो? तो आप टाइट्रेशन करते हो 0.01 मोलैरिटी का एथाइलिन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड। तीसरा सवाल कि इसके अंदर जो इंडिकेटर, इस टाइट्रेशन के अंदर जो इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है वो होता है ईबीटी, एरियोक्रोम ब्लैक टी का इस्तेमाल होता है। चौथा सवाल, ईबीटी का जो कलर है वो कलर कैसा होगा? EBT forms red color and titration changes color to blue. Red to blue जो है उसका color change हो जाता है। EBT जो है वो शुरू में red color form करता है और बाद में titration जैसे जैसे होती जाएगी वो blue में change हो जाता है। Standard EDTA solution is used to determine the EDTA solution का इस्तेमाल होता है हार्डनेस पता करने के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इन वाटर कॉजेज, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड कह रखा है आपको यहाँ पर, तो वैसे तो ऑप्शन यही दे रखा है आपको हार्डनेस वाला, परमानेंट हार्डनेस होता तो आप वो ऑप्शन चूज करते। नेक्स्ट, अब अगर आप बात करें टेम्परेरी हार्डनेस जो है, टेम्परेरी हार्डनेस को आप लाइम ऐड करके या फिर बॉइलिंग के थ्रू आप हटा सकते हैं। तो पहला सवाल, टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग बॉइलिंग से या फिर लाइम को यूज करके। दूसरा ऑब्जेक्टिव सवाल, अगर आप लाइम यूज करते हैं, अगर ऐसा सवाल आ जाता है आपसे तो आपको दूसरा सवाल क्या है, अगर आप लाइम का इस्तेमाल करते हैं, लाइम का इस्तेमाल करने पर अगर मैग्नीशियम का कार्बोनेट प्रेजेंट था, लाइम किस फॉर्म में जाएगा? CaO होगा, CaO H2O के साथ रिएक्ट करके स्लेक लाइम बना देगा। तो पहले तो ये पानी के अंदर जाती, पहले खुद का कल्याण करेगा, तो CaO से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट, अब इसको पता है कि हाँ मैं पानी में आ गया हूं, किस लिए आया था? वाटर जो है उसमें से टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के लिए। टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाई कार्बोनेट की वजह से होती है। तो अगर मैग्नीशियम का कार्बोनेट प्रेजेंट था और लाइम के साथ उसने रिएक्ट किया तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना देता है, तो बात खत्म हो गई। यानी कि अगर हार्डनेस जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की है तो कितने लाइम चाहिए? 1 मोल ऑफ लाइम चाहिए। अगर आप यहां पर देखें, यहां पर साथ साथ में इसके क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर आपके पास प्रेजेंट है, इसके अंदर अगर आपने लाइम यूज किया, अगर आपने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को लाइम यूज कर रहे हैं इसके साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन साथ साथ में कैल्शियम बाइकार्बोनेट का भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट को हटाने के लिए फिर से 1 मोल लाइम जो है आपको चाहिएगा, तो इसीलिए 1 मोल ऑफ लाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, लेकिन 2 मोल ऑफ लाइम आपको चाहिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए। क्लियर? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है दोस्तों, इससे पहला क्वेश्चन क्या, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से, दूसरा क्वेश्चन क्या, लाइम और बॉइलिंग से हटा सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अगर हार्डनेस प्रेजेंट है तो 1 मोल चाहिए, अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो 2 मोल चाहिए। आपको इक्वेशन से दिख गया, इक्वेशन याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए इक्वेशन से कि क्या हो रहा है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस जो होती है इसको आप नहीं हटा सकते हैं बॉइलिंग से, सिंपल टेक्निक से नहीं हटा सकते हैं इसको, इनके लिए स्पेशल टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आयन मेथड यूज कर सकते हैं, जियोलाइट मेथड जो है इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वाटर को सॉफ्ट करने की टेक्निक्स, वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक्स। इंपैक्ट ऑफ हार्डनेस क्या होगा, हार्डनेस के कारण जो है आप सोप यूज करते हैं तो उससे झाग नहीं बनेंगे, लेदर फॉर्म जो है वो नहीं होता है। यहाँ पर जिन पाइप के अंदर जाता है हार्ड वाटर तो उनके अंदर क्या कर देता है, इनक्रस्टेशन हो जाता है। इनक्रस्टेशन का मतलब कि जो सॉल्ट्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पर जमा हो जाएंगे इस तरीके से कुछ, या उसके अंदर कोरोजन हो जाएगा। कोरोजन का मतलब क्या है, ये पाइप का मटीरियल है, आपकी पाइप कुछ ऐसी है और ये मटीरियल ही खराब होने लग जाएगा यहाँ से। तो इनक्रस्टेशन का मतलब कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो जाना, और कोरोजन का मतलब वहां से वो मटीरियल, पाइप मटीरियल ही खराब हो जाना। उसके बाद हार्ड वाटर मेक्स फूड टेस्टलेस, पानी जो अगर हार्ड है तो उससे जो फूड बनाओगे, खाना बनाओगे वो टेस्टलेस हो जाएगा। मैग्नीशियम हार्डनेस ड्यू टू सल्फेट इंड्यूसेस लैक्सेटिव इफेक्ट इन वाटर, हेंस कंसेंट्रेशन शुड बी लिमिटेड टू 30 mg/L। अब मैग्नीशियम अगर प्रेजेंट है या मैग्नीशियम सल्फेट अगर प्रेजेंट है तो उससे क्या हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट से लैक्सेटिव इफेक्ट हो सकता है। लैक्सेटिव इफेक्ट के अंदर क्या होगा, आपको जो बाउल मूवमेंट्स होती हैं पेट के अंदर क्या होगा, आपको लगेगा कुछ राउंड 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 घूम रहा है, तो बाउल जो मूवमेंट्स हैं वो हो सकती है यहाँ पर। और अगर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है तो उससे क्या हो सकता है, ये आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर भी इफेक्ट डाल सकता है। तो मेजरली दिस इज रिलेटेड टू जो आपकी बाउल मूवमेंट्स होती हैं, स्टमक की जो मूवमेंट्स होती है उनसे रिलेटेड ये होता है।
द हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ये तो कितनी बार बता दिया और आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है यहाँ पर, किस टर्म्स में, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन वेट ऑफ कैल्शियम, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो ये आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपके पास वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो किसी भी चीज का ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। नाउ वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्ट विद वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर प्रोडक्ट टू गिव वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट आया ये तो आपके पास कैल्शियम गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो ये तो आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। इस ग्राम इक्विवेलेंट को अब आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो टर्म आ गई ये आ गई कितने मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे, उसके बाद छोटी सी टेबल आपको राइट साइड में दिख रही है, कभी डेटा रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ ले किस वाटर को आप बोलते हो कि सॉफ्ट वाटर है, किसको हार्ड वाटर बोलते हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में अगर 0 से 55 मिलीग्राम पर लीटर तो सॉफ्ट वाटर है, 56 से लेके 100 तक है तो आप कहते हो स्लाइटली हार्ड, कुछ हार्ड है, फिर उसके बाद 101 से 200 तो मॉडरेटली हार्ड, और उसके बाद होता है वेरी हार्ड वाटर। द हार्डनेस कॉज्ड बाय सल्फेट क्लोराइड एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम इज नोन एज परमानेंट हार्डनेस, इसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट हार्डनेस, अब दो टाइप की हार्डनेस है आपके पास, एक कार्बोनेट वाली एक नॉन कार्बोनेट वाली। कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है इससे रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी बहुत सवाल आए हैं, एसएससी में भी आए हैं। कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है वो किसके बराबर होती है, मिनिमम होगा किसका, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्केलिनिटी, टोटल हार्डनेस एंड एल्केलिनिटी। एक चीज तो आप ये यूज करेंगे, दूसरा आपको क्या यूज करना है, आपको पता है टोटल हार्डनेस विल बी इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो यहां से आप नॉन कार्बोनेट की वैल्यू बता दोगे, आपसे यही पूछ सकता है ज्यादा ज्यादा, कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर 320 और 200 दे रखा है, तो कार्बोनेट की टर्म्स आपको यहां पर एल्केलिनिटी 200 दे रखी है, आपको 320 जो है वो क्या दे रखी है टोटल हार्डनेस, तो कार्बोनेट हार्डनेस विल बी मिनिमम ऑफ दीज टू, तो कार्बोनेट हार्डनेस आ गई 200, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी आ जाएगी, आप माइनस कर दीजिए 320 में से 200 तो आपके पास क्या आ जाएगा 120। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 180 और 200 दे रखा है, टोटल हार्डनेस आपको दे रखी है 180, एल्केलिनिटी दे रखी है 200, तो यहां पर क्या हो जाएगा मिनिमम वाली टर्म आपको यूज करनी है, तो कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो कितना हो जाएगा 180, नॉन कार्बोनेट 0। चलें आगे, नेक्स्ट हार्डनेस, हार्डनेस की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो है 200 और कॉज फॉर रिजेक्शन 600 मिलीग्राम पर लीटर, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए ये वैल्यू जो है 75 से 150 के बीच में लगभग रहती है। क्लोराइड कंटेंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एक्सेप्टेबल लिमिट 250 मिलीग्राम पर लीटर, कॉज फॉर रिजेक्शन की अगर हम बात करें तो 1000 मिलीग्राम पर लीटर है। नाइट्रोजन कंटेंट की बात करें तो नाइट्रोजन बताता है पॉल्यूशन के बारे में, किसी को नींद तो नहीं आ रही, अरे जल्दी से बता दो, आज तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 1.5 घंटा ही तो हुआ है पढ़ते हुए, आज तो सेशन ही हमारा लेट शुरू हुआ है। मैकेनिकल से आप तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, सोम और एफएम तो हो चुकी, सोम होगी अभी। स्पीड बढ़ाते हैं दोस्त, फिर आप मैनेज कर लेना, मैं स्पीड बढ़ा देता हूं फटाफट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट, देखो नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो आपको बताता है पॉल्यूशन के बारे में, बताता है कि कहीं पे भी अगर पॉल्यूशन हो गया, वाटर के अंदर कोई पॉल्यूटेंट्स आ गए, किससे चेक कर सकते हो आप, नाइट्रोजन से चेक कर सकते हो। अगर आपको वहां पर अमोनिया मिलता है तो अमोनिया का मतलब अभी अभी फिलहाल कोई पॉल्यूटेंट ऐड हुआ है वाटर के अंदर, तो फ्री अमोनिया अगर NH3 की फॉर्मेट में आपको मिलता है तो आप कहते हो कि रिसेंट पॉल्यूशन के बारे में ये बता रहा है। एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो 0.15 और कॉज फॉर रिजेक्शन 0.30 मिलीग्राम पर लीटर होती है। उसके बाद धीरे धीरे वेस्ट का डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है यहां पर, तो फिर बन जाता है आपका ऑर्गेनिक अमोनिया या फिर जिसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनॉइड। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बिफोर डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है यहां पर, यानी कि यहां पर डीकंपोजिशन जो है वो शुरू हो रहा है, 0.30-0.45 ऑर्गेनिक अमोनिया बन जाता है। फिर उसके बाद डीकंपोजिशन जब शुरू हो चुका है
कुछ डीकम्पोज हो चुका है, वेस्ट कुछ डीकम्पोज नहीं हुआ है, तो पार्टली डीकम्पोज मटेरियल है। ये बहुत खतरनाक होता है, टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। तो इसीलिए जो आपका नाइट्राइट है, नाइट्राइट जो है आपके पास यहां पर, वो क्या बताता है, पार्टली डीकम्पोज मटेरियल के बारे में बताता है। और इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो क्या है, जीरो। तो नाइट्राइट जो है वो राइट नहीं है, रॉन्ग है। नाइट्राइट जो है वो क्या है, राइट नहीं है, रॉन्ग है, पानी में नहीं होना चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं आप। क्योंकि नाइट्रेट, नाइट्रेट इनमें, नाइट्राइट में, इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो नाइट्राइट जो है वो राइट नहीं है, टॉक्सिक है वो, रॉन्ग है वो। तो एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होनी चाहिए इसकी, जीरो। नाइट्रेट की अगर बात करें तो नाइट्रेट आपको पता है ब्लू बेबी डिजीज, मेथेमोग्लोबिनेमिया, आप जानते हैं यहाँ पर कि जो भी इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर हो जाता है। तो ये बड़े जो लोग होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ग्रोन अप्स के लिए, तो उनके लिए हार्मफुल नहीं होता है। इन्फेंट्स के अंदर मेथेमोग्लोबिनेमिया, जिसे हम ब्लू बेबी डिजीज कहते हैं, वो हो जाता है। किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट। कितनी ही बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन दोनों ही 45 मिलीग्राम पर लीटर होती है। फ्लोराइड्स की बात करें तो फेवरेट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा ही पूछा जाता है। चलो थोड़े बहुत, मतलब फ्लोराइड की अगर बात करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। फ्लोराइड की बात करें तो आपके जो टीथ होते हैं, आपने देखा होगा जो भी टूथपेस्ट आती है उनकी एड में भी आता है कंटेन्स फ्लोराइड। तो फ्लोराइड जो है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर तक अगर होता है तो आपके जो टीथ है उनकी प्रोटेक्शन करता है, उसका जो एनेबल है उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और वहां पर डेंटल कैरीज या कैविटीज जो है वो नहीं होने देता है अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद अगर जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज्यादा हो जाएगा, तो जो टीथ है उनका कलर जो है वो खराब होने लग जाएगा। तो डीकलरेशन ऑफ टीथ हो जाएगा यहां पर। कब 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा क्वांटिटी हो गई, 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा अगर क्वांटिटी हो गई, तो बोन्स जो है वो रिजिड हो जाएंगे, डिफॉर्म होने लग जाएंगे, शेप खराब होने लग जाएगी उनकी। तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, या फिर बोन फ्लोरोसिस हो जाता है। तो आपकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है फ्लोराइड की, 1 मिलीग्राम पर लीटर। कॉज फॉर रिजेक्शन, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। क्वेश्चन आता है, एक्सेस फ्लोराइड कंसेंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद, बोन्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैविटीज इन टीथ आर कॉज्ड इफ फ्लोराइड कंसेंट्रेशन इज लेस देन, अगर फ्लोराइड कंसेंट्रेशन जो है वो किससे कम है कि कैविटीज हो जाती है, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर तक तो ये अच्छा है, तो 1 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज। मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ फ्लोरीन इन डोमेस्टिक वाटर, कितना मैक्सिमम परमिट करेंगे आप, वो आप करेंगे 1.5 मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट, या फिर कॉज फॉर रिजेक्शन आपसे पूछे 1.5। उसके बाद ये जो है छोटा सा टेबल, प्यारा सा टेबल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। आयरन की क्वांटिटी से रिलेटेड पूछा हुआ है, मैंगनीज की क्वांटिटी से रिलेटेड, आर्सेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं इसमें। अगर आप देखेंगे आयरन एंड मैंगनीज की, तो आयरन जो है वो 0.1 मिलीग्राम पर लीटर एक्सेप्टेबल लिमिट है, कॉज फॉर रिजेक्शन 1 मिलीग्राम पर लीटर। अगर हम बात करें दोस्तों आर्सेनिक की, तो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर एंड 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। क्वेश्चन पे आते हैं, तो परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर इज 0.01। वैसे देखें अगर शब्दों के हिसाब से, परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, तो आपका आंसर होना चाहिए 0.05। आपका आंसर कितना होना चाहिए, 0.05। 0.01 तो एक्सेप्टेबल लिमिट है, अगर हम परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट्स की टर्म में अगर हम बात करें, तो इसका आंसर तो कितना होना चाहिए, आप भी देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है 0.01 दे रखा है ना एक्सेप्टेबल लिमिट। कॉज फॉर रिजेक्शन या फिर परमिसिबल लिमिट जो है वो 0.05 है। नेक्स्ट, द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, शुरू में आपको बता दिया था टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो वो 500 मिलीग्राम पर लीटर एक्सेप्टेबल है, कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करें तो 2000। ये टेबल याद रखनी है, याद करके जानी है ये टेबल। नेक्स्ट, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 10500 ड्रिंकिंग वाटर के जो पैरामीटर्स है, क्वालिटी पैरामीटर्स जो है वाटर के, वो बताता है आपको IS 10500। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 10500 आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, आयरन की वैल्यू जो आपकी है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, और दूसरे टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू जो है वो कितनी है 0.1।
इसमें थोड़ा सा डेटा का वेरिएशन हो रहा है दोस्त, ये कोड के अकॉर्डिंग है और वो जो वैल्यू होंगी फिर आपकी वो WHO वाली वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट आयरन की जो आपके पास लिमिट है एज Fe 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स 0.3 हो गया। इफ लेड इज प्रेजेंट इन वाटर इट कॉजेज, लेड जो है वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। लेड जो है वो कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। तो लेड की क्वांटिटी 0.01 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा ना हो। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स द पीएच वैल्यू शुड बी इन द रेंज ऑफ, पीएच से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 6.5 से 8.5 के बीच में पीएच होनी चाहिए। नेक्स्ट बायोलॉजिकल पैरामीटर्स पे आए अगर हम दोस्तों, तो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में हम बात करते हैं, 0.3 सही है बिल्कुल, इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 0.3 जो है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। बायोलॉजिकल पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो नाम बता रहे हैं यहां पर, बैक्टीरिया होंगे या पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे जो हार्मफुल होते हैं। अब बायोलॉजिकल पैरामीटर से संबंधित सवाल क्या आता है, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में आप चेक कैसे करेंगे कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है पानी के अंदर या नहीं प्रेजेंट, तो हम ढूंढेंगे किसको, ई कॉली को ढूंढेंगे। ई कॉली को क्यों ढूंढेंगे, क्योंकि ई कॉली जो है वो एक ऐसा कॉलीफॉर्म है जो कि हार्मलेस होता है, जो नुकसान नहीं पहुंचाता है, हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है। तो अगर ई कॉली भी नहीं प्रेजेंट है पानी के अंदर, इसका मतलब कोई भी बैक्टीरिया जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये कॉलीफॉर्म टेस्ट जो है हम करते हैं किसके लिए, बायोलॉजिकल पैरामीटर, या ये चेक करने के लिए कि कोई डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस जो है वो प्रेजेंट ना हो यहाँ पर। तो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेंस बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीज लाइक बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ एटसेट्रा। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन बी टेस्टेड एंड काउंटेड इन लैब बट विद great difficulty. The usual routine tests are generally conducted to detect and count the presence of coliforms, which in themselves are harmless aerobic lactose fermenter organism, but their presence or absence indicates the presence or absence of pathogenic bacteria. Coliform called as E. coli, Escherichia coli, is found to be present in all living organisms. Also, these bacteria live much longer than any other bacteria. Hence, if E. coli is absent, pathogenic bacteria will also be absent. साधारण भाषा में ई कॉली को ढूंढेंगे, ई कॉली नुकसानदायक नहीं होता है। अगर ई कॉली भी प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आप कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, आप मेम्ब्रेन फिल्टर जो टेक्निक है जिसके अंदर आप अलग अलग कॉलोनीज जो होती है, एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम आप यूज करते हैं, उसके अंदर जो कितने कितने बैक्टीरिया कॉलोनीज के अकॉर्डिंग आप यहां पर आइडेंटिफाई करते हो। इसके बाद आता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर MPN टेस्ट जो है वो हम करते हैं इसके लिए। फिर मोस्ट प्रोबेबल नंबर MPN टेस्ट ये तो हो गया। कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म इन 100 ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी मोर देन, 100 ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो क्वांटिटी है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ई कॉली शेल नॉट बी डिटेक्टेबल इन एनी 100 ml ऑफ सैंपल, डिटेक्ट ही नहीं होना चाहिए। तो एज पर द गिवन ऑप्शन 1, वरना 0। ऑल वाटर इंटेंडेड फॉर ड्रिंकिंग, मतलब हमने बात की ना यहाँ पर बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में कि ई कॉली भी नहीं प्रेजेंट है तो कोई भी बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होगा, तो इट शुड नॉट बी डिटेक्टेबल इन 100 ml ऑफ सैंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर, अब ट्रीटमेंट की बात आ गई, जल्दी से आंसर बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। जिन प्यारे मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज मोस्ट सुटेबल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, जो बड़ा बड़ा वेस्ट है या फ्लोटिंग मटेरियल है उसको आप हटा देते हैं। फिर उसके बाद आप एरेशन करवाएंगे, एरेशन करवाने के बाद एरेशन में क्या होगा, आयरन और मैंगनीज जैसी इंप्योरिटीज है उनको हटाएंगे, जो डिजॉल्व गैसेज हैं वो हटाएंगे हम। फिर उसके बाद जो सस्पेंडेड पार्टिकल है जो पानी में इधर उधर घूमते फिर रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, एक शांत एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, एक सेडिमेंटेशन टैंक में डालेंगे ताकि वो सेटल हो जाए। फिर उसके बाद कुछ जो उपद्रवी बच जाते हैं पार्टिकल जो फिर भी तैरते रहेंगे वो सेटल नहीं होंगे, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, कोएगुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। कोएगुलेशन जो है वो क्या करेगा, कोएगुलेंट्स होते हैं जो कि उसके चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। जब उन पार्टिकल्स के चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को और तेज करना है तो आप उसको घुमा दो, स्टीरिंग कर दो उसकी, तो उन पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन यानी कि फ्लॉक्स बन जाएंगे। फिर वो फ्लॉक्स भारी हो जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं फ्लॉक्युलेशन। फिर उसके बाद ये जो फ्लॉक्स बने या जो पार्टिकल्स बच गए इनको भी हम किसके थ्रू हटाते हैं, फिल्टर्स के थ्रू। इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया जो बच जाएगा, कुछ बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन में भी जो है खत्म किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया बच गया क्लोरीन ऐड करके ओजोन के थ्रू हम जो है उस वाटर को डिसइंफेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पहले प्रोसेस पे स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग क्यों कर रहे हैं, जो भी हैवी इंप्योरिटीज हैं, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल या जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं, फ्लोटिंग मटेरियल है, उसको हम हटा देते हैं वहां पर। बड़े साइज की स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो कोर्स, छोटे साइज की यूज कर रहे हैं फाइन स्क्रीन हम इसके अंदर यूज करते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों एरेशन की। एरेशन में दो सवाल इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। पहला सवाल, एरेशन इज यूज टू, तो ऑप्शन में आपको अगर दे रखा हो H2S और CO2 तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है कि गैसेज को रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर एरेशन आपको प्रेसिपिटेट की टर्म्स में अगर आपको दे रखा हो या आयरन या मैंगनीज जैसी वर्ड्स अगर आपको दे रखे हो तो आपको वहां पर ऑप्शन जो है वो क्या टिक करना है कि एरेशन जो है वो किसको रिमूव करता है, एरेशन के कारण प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एरेशन में मतलब आप ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो जो भी आयरन के जो आयंस प्रेजेंट है या मैंगनीज के जो प्रेजेंट है उनका प्रेसिपिटेट फॉर्म करवा देता है एरेशन, तो ये भी रिमूव कर सकते हैं हम। तो आयरन एंड मैंगनीज कैन बी रिमूव्ड बाय, ऐसा क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आया हुआ है और SSC में भी आ सकता है। तो आयरन और मैंगनीज को एरेशन से हटा सकते हैं। H2S और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज हैं इनको भी रिमूव किया जा सकता है किसके थ्रू, एरेशन के थ्रू। नोजल से स्प्रे कर दो आप किसी लेयर के ऊपर यहां पर, तो यहां पर एक दीवार बना ली, कुछ भी बना लिया, उस पर आप पानी स्प्रे करते जा रहे हो बस, तो ये एयर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, इससे आप कर सकते हो। कास्केड एरेटर इस तरीके से इसके ऊपर पानी गिरता जा रहा है, ऐसे वाले एरेटर की एफिशिएंसी होती है 40%। स्प्रे टावर, एक टावर है यहां से पानी आएगा इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर एंड सो ऑन। तो ये जो है अच्छा मेथड होता है अगर आप रिमूव करना चाहते हैं आयरन और मैंगनीज को, स्प्रे टावर मेथड। नेक्स्ट आता है आपके पास डिफ्यूज एयर, महंगा होता है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसमें बबल्स छोड़ने के लिए यहां पर, तो ये आप ऐसा यूज कर सकते हो। एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव, एरेशन ऑफ वाटर को आप एरेशन क्यों करते हो, डिसॉल्व्ड गैसेस जो आपके पास H2S और CO2 जैसी गैसेज होती है उनको रिमूव करने के लिए। आयरन और मैंगनीज जो है उनका प्रेसिपिटेट बना देता है, उनको भी हम हटाते हैं एरेशन के थ्रू। सेडिमेंटेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेडिमेंटेशन का मतलब सीधा सा इतना है कि ऐसे पार्टिकल जो कि टर्बुलेंस में है, जो सेटल नहीं हो पा रहे हैं, उनको एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, एक टैंक दे दिया हमने, उसके अंदर जाके वो क्या कर जाते हैं, सेटल कर जाते हैं यहां पर। तो यहां से पार्टिकल आया, पार्टिकल आके वाटर फ्लो कर रहा है, तो उस पार्टिकल को इतना सफिशियंट टाइम प्रोवाइड हमें करना है। टैंक को इस तरीके से बनाएंगे कि कोई एक पार्टिकल अगर इनलेट पर टॉप ऑफ द टैंक पर है तो आउटलेट तक जाते जाते ये पानी जब आउटलेट तक जाए यहां से लेके यहां तक, तो आउटलेट तक जाते जाते ये पार्टिकल जो है बॉटम ऑफ द टैंक में आ जाए। तो ऐसे इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। अब इस पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी, वो सेटलिंग वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो इनलेट पे अगर टॉप पे था और आउटलेट तक जाते जाते बॉटम ऑफ द टैंक पर आ जाए, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, सरफेस ओवरफ्लो रेट कहते हैं। तो सरफेस ओवरफ्लो रेट का मतलब क्या है, इट कैन बी थॉट ऑफ अ सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल which is introduced at the topmost point पर अगर ये present होगा और outlet तक जाते जाते bottom of the tank पर ये पहुंच जाएगा, तब इसकी जो settling velocity होगी vertical direction में, जो इसकी velocity होगी उसको हम क्या कहते हैं, surface overflow rate। और ये surface overflow rate का formula आपको याद रखना है, discharge upon BL याद रहेगा, ठीक है। next आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल सेडिमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेडिमेंटेशन से रिलेटेड जो पहला सवाल आपसे पूछा जाता है वो क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्यों करवाते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनको सेटल करवाने के लिए हम यूज करते हैं यहां पर। सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन किसके लिए करते हैं, डिजाइन करते हैं उसको 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज, या फिर ये कह लीजिए कि मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए हम सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करते हैं। उसके बाद जो सवाल आता है दोस्तों वो आता है व्हाट इज सरफेस ओवरफ्लो रेट, या सरफेस ओवरफ्लो रेट की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, या तो ऑप्शन में डेफिनेशन होगी या फिर ऊपर डेफिनेशन होगी। तो सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या होता है, एक ऐसी वेलोसिटी जिससे पार्टिकल सेटल कर रहा है कुछ इस प्रकार से कि अगर वो टैंक के इनलेट पर टॉप ऑफ द टैंक में था और वो आउटलेट तक जाते जाते बॉटम पे आ जाए, तो ये सेटलिंग वेलोसिटी जो है इसे हम कह देंगे सरफेस ओवरफ्लो रेट। और फॉर्मूला याद रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसे पार्टिकल जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी उस ओवरफ्लो रेट वाली वेलोसिटी से ज्यादा है, अगर सेटलिंग वेलोसिटी उस ओवरफ्लो रेट वाली से, तो ये तो हमने एक स्टैंडर्ड बोल दिया कि सेटलिंग सरफेस ओवरफ्लो रेट उसको कहेंगे कि ये एक पार्टिकल जो इनलेट पर था टॉप ऑफ द टैंक में, आउटलेट तक जाते जाते बॉटम पर पहुंच गया, तो इस वेलोसिटी को हमने कहा सरफेस ओवरफ्लो रेट। अब जिसकी सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी सरफेस ओवरफ्लो रेट से, मान लीजिए यहां आके सेटल हो गया, वो नीचे पहुंच गया, तो ये तो रिमूव हो ही जाएगा डेफिनेटली। अब कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो यहां आते आते नहीं सेटल हो रहा है, यानी कि उसकी जो सरफेस ओवरफ्लो रेट से उसकी सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है, सो इफ सेटलिंग वेलोसिटी इज लेस देन द सरफेस ओवरफ्लो रेट, दिस पार्टिकल विल नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड, ये पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल कंप्लीटली रिमूव नहीं होंगे। पार्टिकल्स टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअस फ्लो वाटर सेडिमेंटेशन टैंक शुड हैव सेटलिंग वेलोसिटी
कंटिन्यूअस फ्लो वाटर टैंक जो है उसके अंदर उनकी सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए सरफेस ओवरफ्लो रेट से या सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक से। समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ डिस्चार्ज एंड प्लान एरिया ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो टाइप सेटलिंग टैंक इज नोन एज। द रेशो ऑफ डिस्चार्ज एंड प्लान एरिया, प्लान एरिया मतलब जो ऊपर से आप देख रहे हैं यहां पर, तो आपको एरिया कौन सा दिखेगा? क्यू अपॉन बीएल, यही होता है क्यू अपॉन बीएल। उसे सरफेस लोडिंग कहिए, ओवरफ्लो कहिए, ओवरफ्लो रेट कहिए, जो आपका मन हो, जिसे आप आराम से बोलना चाहें। आगे बढ़े। हाँ जी, शॉर्ट नोट बताते जा रहे हैं ना आपको, साथ साथ बताते जा रहे हैं कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है डिजाइन डेटा से रिलेटेड, जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है? सरफेस ओवरफ्लो रेट पूछता है, डिटेंशन टाइम पूछता है इसमें आपसे। तो सरफेस ओवरफ्लो रेट की अगर हम बात करें तो 15,000 से 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है यहां पर। और डिटेंशन टाइम जो कंसिडर करते हैं वो कंसीडर किया जाता है 3 से 4 घंटे, 3 to 4 hours जो है डिटेंशन टाइम प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट डेटा आ जाता है कि अगर सेडिमेंटेशन आप करवा रहे हो, कोएगुलेशन, देखो हम सारे प्रोसेस एक एक करके बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन वैसे तो हम लास्ट में पढ़ेंगे कि पहले आपने स्क्रीनिंग कर दिया, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसका एरेशन करवा रहे हैं, फिर सेडिमेंटेशन करवा रहे हैं, एंड सो ऑन आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में क्लोरीन ऐड कर दो, शुरू में क्लोरीन ऐड कर दो, तो जब तक जो वाटर है वो, उसको हम क्या बोल देंगे, प्री क्लोरीनेशन बोल देते हैं। तो वाटर जो है वो इनिशियल फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर ही आपने अगर उसमें क्लोरीन ऐड कर दिया तो वो धीरे धीरे क्या चलता जाएगा, अपने आप वो वाटर जो है वो कुछ ना कुछ हद तक पहले ट्रीट हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोसेस, अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की आप बात करें तो वहां भी हम देखेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर पहले से हम कुछ बायोमास जो है वो वेस्ट वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं ताकि वो एंड ऑफ द प्रोसेस तक पहुंचे तो काफी सारी उसकी रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी हो जाए, वेस्ट ऑलरेडी डिकम्पोज हो जाए। तो ये वेरिएशन देखने में मिलते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहां पर चल रहे हैं। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि अगर सेडिमेंटेशन के साथ साथ कोएगुलेशन भी आप करा दो तो ऐसे केस में जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है वो 30,000 से 40,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे जो है वो हो जाएगा। और डिटेंशन टाइम यहां पर, क्योंकि कोएगुलेशन करवा रहे हैं तो कोएगुलेंट के कारण क्या होगा, पार्टिकल का चार्ज जो है, जो हल्के पार्टिकल थे जो सेटल नहीं हो रहे थे, कोएगुलेंट ऐड कर दिया तो उनके चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए, वो फटाफट सेटल हो जाते हैं। तो टाइम यहां पर कम लगेगा, डिटेंशन टाइम जो है वो कम होगा। विड्थ ऑफ द टैंक 10 से 12 मीटर ली जाएगी यहां पर, और डेप्थ की बात करें 3 मीटर। सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन किसके लिए करेंगे? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज इंपॉर्टेंट, 1.8 क्यू के लिए डिजाइन करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट, कितना होता है? 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट, 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट। नेक्स्ट, अच्छा ये 720p पे जा ही नहीं रही। चलो दोस्त, नेक्स्ट सेशन से इसको करते हैं, नेक्स्ट सेशन से जो वीडियो का रेजोल्यूशन है और हाई मिल जाएगा आपको। पीडीएफ लेके बैठे हैं कुछ लोग, अच्छी बात है बैठे हैं। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये मेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंस के क्वेश्चन अभी करने का कोई मतलब नहीं है, प्री में जो आपसे पूछे जाएंगे, आपसे सरफेस ओवरफ्लो रेट के फॉर्मूले आप याद रख लीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बस। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी मेंस के सवाल आ गए। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन आपको बता दिया, कोएगुलेशन के अंदर पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होंगे, इसके कारण वो सेटल नहीं हो रहे हैं। जब अगर कोएगुलेंट ऐड कर दिया आपने तो वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए तो वो जल्दी से सेटल हो जाएंगे यहाँ पर।
अब इसमें आप बात करें एंटायर प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन जो है वो तीन स्टेप में होता है। पहले आप क्या करो, फटाफट चार्ज न्यूट्रलाइज करवाने, तो जल्दी जल्दी घुमाओ उसको, तो जो भी कोएगुलेंट आप ऐड करोगे वो फटाफट जाके उन सारे चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर धीरे धीरे घुमाओ, स्लो मिक्सिंग कराओ। क्यों मिक्सिंग कराओ स्लो? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल अलग अलग घूम रहे थे, धीरे धीरे जब आप उनको घुमाओगे तो उनका कॉन्टेक्ट पीरियड बढ़ेगा, आपस में संपर्क में आएंगे एक दूसरे के वो, जिसके कारण वो क्या बना देंगे, एक फ्लॉक बना देंगे। क्या बना देंगे? फ्लॉक। अब ये क्योंकि ये ग्रुप बन गया, इनका भारी हो गया, तब ये नीचे सेटल हो जाएंगे टैंक के अंदर। तो कोएगुलेशन करवाएंगे फास्ट मिक्सिंग में, केमिकल जो भी आप ऐड कर रहे हैं फास्ट मिक्स करेंगे उसको, फिर धीरे धीरे घुमाएंगे उसको, स्लो मिक्सिंग करवाएंगे ताकि उनका कॉन्टेक्ट पीरियड बढ़े, फिर उसके बाद वो सेटल हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। एलम इज अ कोएगुलेंट फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव। एलम जो है वो कोएगुलेंट है, और मोस्ट इफेक्टिव कब होता है? जब वो किस पीएच रेंज में काम करे? जब वो 6 to 8 की पीएच रेंज के अंदर काम करेगा। एलम जो है वो क्या है? कोएगुलेंट है। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर, 1 ग्राम एलम जो है, 1 ग्राम ऑफ एलम रिएक्ट्स विद 0.45 ग्राम ऑफ एल्किलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस 0.234 ग्राम ऑफ प्रेसिपिटेट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, इससे रिलेटेड सवाल आ जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिल्टर एलम यूज्ड एज कोएगुलेंट इज, फिल्टर एलम यूज्ड एज कोएगुलेंट क्या होता है? फिल्टर एलम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है आपके पास, Al2SO4 फिर उसके बाद आता है आपके पास कॉपरास, फेरस सल्फेट .7H2O, क्लोरीनेटेड कॉपरास के अंदर FeCl3 ऐड हो जाएगा। फिर आपके पास आता है सोडियम एल्यूमिनेट Na2Al2O4। सो ये आप नाम याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जो है वो स्टेट एग्जाम्स में एलम का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो Al2SO4 द एलम एडेड एज कोएगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट फंक्शंस बेटर व्हेन द रॉ वाटर इज, एल्किलिनिटी होनी चाहिए उसके अंदर और टर्बिडिटी है ज्यादा होगी तो वो एलम बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। अब अलग अलग कोएगुलेंट की बात करें तो नाम मैंने आपको बता दिया, एलम Al2SO4 याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट एलम की अगर बात करें तो एलम जो दोस्तों रिएक्ट करेगा वो किसकी प्रेजेंस में अच्छे से काम करता है? एल्किलिनिटी वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर एल्किलिनिटी प्रेजेंट नहीं है तो आप एक्सटर्नली ऐड कर सकते हो, किस तरीके से? या तो लाइम ऐड करके या फिर सोडा ऐश ऐड करके। अगर आप लाइम ऐड करके करोगे एल्किलिनिटी इन टर्म्स ऑफ लाइम आपने अगर ऐड की तो वो क्या कर देगा? परमानेंट हार्डनेस बनाएगा। तो यहां पर व्हेन लाइम इज एडेड एसिडिटी इंड्यूस नहीं होती लेकिन हार्डनेस इंड्यूस हो जाती है। अगर सोडा ऐश यूज करोगे, आप सोडियम कार्बोनेट यूज करोगे तो ऐसे केस में यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, यानी कि एसिडिटी इंड्यूस हो जाती है और हार्डनेस इंड्यूस नहीं होती। तो ऑब्जेक्टिव सवाल नंबर 1 एलम से रिलेटेड, दोबारा से सुनिए क्या कहानी हुई। पहला सवाल, एलम जो है उसका फॉर्मूला क्या है? Al2SO4 दूसरा सवाल, एलम बेस्ट परफॉर्म कब करता है? जब वाटर बहुत ज्यादा टर्बिडिटी हो उसके अंदर प्रेजेंट हो और वो एल्कलाइन हो तब वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। तीसरा सवाल, एल्किलिनिटी किसकी टर्म्स में आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पर? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की टर्म में हम एल्किलिनिटी ऐड कर रहे हैं। अगर एल्किलिनिटी नहीं प्रेजेंट है उस वाटर में और आप एलम से ट्रीट करवाना चाह रहे हैं उसको, तो उसके लिए आप क्या करो? लाइम ऐड कर दो। लाइम ऐड करोगे तो उससे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस हो जाती है, आपको दिख रहा है कैल्शियम सल्फेट। अगर आप ऐड कर दोगे सोडा ऐश तो सोडा ऐश के कारण क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड इंड्यूस हो जाती है, यानी कि सोडा ऐश जो है वो क्या हो जाता है? एसिडिटी इंड्यूस हो जाएगी। और लाइम अगर ऐड कर दोगे तो लाइम के कारण क्या हो जाएगा? यहां पर हार्डनेस इंड्यूस हो जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर रिएक्शन, अब इससे रिलेटेड 2 सवाल आते हैं, ग्लूकोज वाला क्वेश्चन पूछता है आपसे और एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो ग्लूकोज वाला तो चलो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। एलम वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो कैसे क्वेश्चन पूछता है? Al2SO4 जब एल्किलिनिटी के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सल्फेट जो कि परमानेंट हार्डनेस है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आपको मिलता है यहाँ पर, तो 1 मोल यानी कि इस पूरे फॉर्मूले का अगर वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 666 ग्राम। 666 ग्राम ऑफ एलम आपको देता है 2 मोल ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि 2 × 78 156 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ एलम कितना देगा? इसको डिवाइड कर लीजिए 156 / 666, यानी कि 0.234 ग्राम। 3 मोल्स ऑफ आपके पास एल्किलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? 3 मोल्स ऑफ एल्किलिनिटी जो है वो आपने यूज की किसके साथ? 1 मोल ऑफ एलम के अंदर। तो इसको इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिप्रेजेंट करेंगे आप तो आपके पास आ जाता है 0.45। तो फाइनली जो आपको टर्म याद रखनी है, जो आपको इक्वेशन जो शॉर्ट नोट में लिखनी है वो क्या लिखना है कि 1 ग्राम ऑफ एलम रिएक्ट करता है 0.45, 1 ग्राम ऑफ एलम रिएक्ट्स विद
0.45 ग्राम ऑफ एल्केलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस 2.34 ग्राम ऑफ प्रेसिपिटेट, या दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ एलम, 1, 2, 3, 4 के हिसाब से 1 ग्राम ऑफ एलम गिव्स 0.234 ग्राम ऑफ प्रेसिपिटेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद 0.45 ग्राम ऑफ एल्केलिनिटी. 1 ग्राम ऑफ एलम गिव्स 0.234 ग्राम ऑफ प्रेसिपिटेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद 0.45 ग्राम ऑफ एल्केलिनिटी. सब लोग साथ में बोलेंगे 1 ग्राम ऑफ एलम रिएक्ट्स टू फॉर्म 0.234 ग्राम ऑफ प्रेसिपिटेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद 0.45 ग्राम ऑफ एल्केलिनिटी. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. कॉपरास की अगर हम बात करें तो दोस्तों कॉपरास जो है वो भी क्या कर देता है, हार्डनेस इंड्यूस करता है. यहां पर कॉपरास हार्डनेस इंड्यूस करेगा. डोसेज की बात करें यहां पर डोज ऑफ एलम जो है वेरीज फ्रॉम 10 टू 30 मिलीग्राम पर लीटर. एलम की जो डोज होती है वो 10 टू 30 मिलीग्राम पर लीटर होती है. इतनी कॉपरास की जो है वो यूज करते हैं 10 टू 30 मिलीग्राम पर लीटर. कॉपरास इज नेवर यूज्ड फॉर कलर्ड वाटर, क्योंकि कलर्ड वाटर के साथ कॉपरास का इस्तेमाल कर लिया अगर आपने तो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बना देता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. फिर उसके बाद आता है क्लोरीनेटेड कॉपरास. क्लोरीनेटेड कॉपरास की अगर हम बात करें तो यहां पर Fe2SO4 होल थ्राइज डॉट FeCl3 आ जाएगा यहां पर. तो कॉपरास का क्लोरीनेशन करके हम इसको यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है सोडियम एल्यूमिनेट Na2Al2O4. ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा एक स्टिकी प्रेसिपिटेट बनाने के लिए. स्टिकी प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो किसका बनेगा, जनरली एल्यूमिनियम के जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो स्टिकी से ही होते हैं, स्टिकी होते हैं. तो किसका, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनेट जो है इसका प्रेसिपिटेट वो बना देता है. ये प्रोसेस जो है वो टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों को रिमूव कर देता है. अगर आप कोएगुलेशन कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम एल्यूमिनेट के साथ, तो सोडियम एल्यूमिनेट ऐसा कंपाउंड है जो कि टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों ही नहीं आने देगा यहां पर. ठीक है, और इस प्रोसेस का एक और खास बात क्या है कि इसके लिए एल्केलिनिटी की प्रेजेंस भी जरूरी नहीं है. इसके लिए एल्केलिनिटी की प्रेजेंस भी जरूरी नहीं है. ये मेंस के क्वेश्चन आ गए. अब कोएगुलेशन मतलब मिक्स कराना है. मिक्स करवाना है कैसे, आप ऊपर से देख रहे हैं पानी जो है वो कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इस दीवार से टकरा रहा है, इधर आया ऐसे 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 जा रहा है. तो टॉप व्यू ऊपर से आप देख रहे हो, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फ्लो बेसिन हो सकते हैं. फिर वर्टिकल फ्लो बेसिन आप साइड से देख रहे हो, आप साइड से देख रहे हो कि पानी जो है वो ऐसे ऐसे बहता हुआ जा रहा है. तो ये क्या हो गया, वर्टिकल फ्लो बेसिन. किसके अंदर, वाटर जो है बेसिन के अंदर, दीवारें जो है वो वर्टिकली बनी हुई है, वाटर ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है. फिर उसके बाद मैकेनिकल मिक्सर. मैकेनिकल मिक्सर के अंदर क्या होगा, ये यहाँ पे रोटेट करेगा. तो पानी को ये मिक्स करवा रहा है, रोटेट कर रहा है, यहाँ पर आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है यहाँ पर. फिर उसके बाद फ्लोकुलेशन आ गया. फ्लोकुलेशन के अंदर दोस्तों आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, फ्लोकुलेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है उनका चार्ज ऑलरेडी न्यूट्रलाइज किया जा चुका है. किसके द्वारा, कोएगुलेंट्स के द्वारा. फिर उसके बाद वो पार्टिकल्स है उनकी स्लो मिक्सिंग करवाएंगे, तो पार्टिकल जो है वो पास पास आ जाएंगे, एक फ्लॉक बन जाएगा. ये पूरा फ्लॉक हैवी होने के कारण नीचे सेटल कर जाएगा. ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्लोकुलेशन. कोएगुलेशन में फास्ट मिक्सिंग होती है, फ्लोकुलेशन में स्लो मिक्सिंग होती है, याद रखना है आपको. फ्लोकुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टर्बिडिटी पे डिपेंड करेगा, टाइप एंड डोज ऑफ कोएगुलेंट के ऊपर, और टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा. फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है फिल्ट्रेशन का, फिल्टर आउट करना जो पार्टिकल्स बच गए छोटे साइज के, या जो फ्लोकुलेशन के अंदर जो फ्लॉक्स बने उनको हटाया जाएगा. किसके थ्रू हटाया जाएगा, जो भी आप इनऑर्गेनिक बेड्स यूज करते हैं, यानी कि आप ग्रेनुलर मटेरियल के जो बेड यूज करते हैं उनसे हटाया जाएगा यहां पर. तो इसके अंदर फिल्ट्रेशन के अंदर क्या क्या खास बात होती है, क्या फिल्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करेगा. फिल्ट्रेशन जो है फ्लॉक्स को, सस्पेंडेड पार्टिकल को, और कुछ हद तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रिमूव कर देता है, डिसॉल्व्ड मिनरल्स को भी रिमूव कर देता है वाटर से यहाँ पर. फिर दो टाइप के आपके पास फिल्टर होंगे, ग्रेविटी फिल्टर और दूसरे होंगे प्रेशर फिल्टर. ग्रेविटी फिल्टर के अंदर यहाँ पर जो भी वाटर पास करेगा वो ग्रेविटी के कारण पास करेगा, जो हेड प्रोवाइड किया जाएगा वो किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा. अगर प्रेशर फिल्टर की बात करें तो ये वो फिल्टर है जिनमें जो हेड प्रोवाइड किया जाएगा वो किससे प्रोवाइड किया जाएगा, आप किसी भी तरीके से वाटर को प्रेशर से आप फ्लो करवा रहे हो उसके थ्रू. आप स्लो सैंड फिल्टर, सबसे पहले फिल्टर आते हैं आपके पास कौन से, स्लो सैंड फिल्टर. स्लो सैंड फिल्टर के अंदर यहाँ पर नीचे सपोर्ट होगा, फिर ग्रेवल यूज कर रहे हैं, फिर सैंड यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपने वाटर की लेयर यूज की. जितना सैंड यूज किया उतना ही आपने वाटर का लेयर जो है वो यहाँ पर यूज कर लिया. सो इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, बस यहाँ से ऐसे सवाल पूछ सकता है इससे. इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल 0.2 से लेकर 0.3 कंसिडर कर लेते हो यहाँ पर. फिर कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कंसिडर किया जाता है 5, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है. कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितने यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे. डिजाइन लाइफ 10 से 15 साल होती है. फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग 1 से 3 मंथ होती है. फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग 1 to 3 months होती है यहाँ पर. ड्यूरिंग क्लीनिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है मैच द फॉलोइंग के अंदर, ESC के अंदर.
तो क्लीनिंग के अंदर क्या करते हैं आप, टॉप लेयर जो सैंड की होती है उसको आप हटा देते हैं और फिर दूसरी लेयर आप यूज करते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 2400 से 3600 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है यहाँ पर। अब क्लीन करने के बाद यहाँ पर आप क्या करते हो, After cleaning of filter, it is washed with clean water and again loaded with effluent from plain water sedimentation. मतलब क्लीन करने के बाद उस पानी को आप यूज नहीं करते हैं, अगले कुछ 24 घंटे तक आप उस पानी को यूज नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ वेस्ट फिर आ जाता है, फिर बाद वाले पानी को आप यूज करना शुरू करते हो। एफिशिएंसी जो होती है स्लो सैंड फिल्टर की 98 से लेकर 99% तक होती है। दे आर नॉट यूज फॉर वाटर ऑफ टर्बिडिटी ग्रेटर देन 50 NTU। अब कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है इसकी अगर हम बात करें तो फिल्ट्रेशन के कुछ कुछ मतलब थ्योरी के अगर बात करें, पहला होता है कि जैसे चाय आप छानते हो तो चाय जो है वो छलनी होती है, आपके पास स्ट्रेनर होता है जो बड़े साइज के पार्टिकल है वो ऊपर रह जाते हैं। तो फिल्ट्रेशन में एक तो तरीका होता है कि फिल्टर कैसे काम कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग हो रही है, बड़े साइज के पार्टिकल अलग रह रहे हैं। फिर सेडिमेंटेशन कि जब फिल्टर्स में पानी चला गया तो पहले पानी जो है वो टर्बुलेंस में था, फिल्टर में जाएगा तो वहां पे टर्बुलेंस खत्म हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी तो पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। तो हम कह रहे हैं फिल्ट्रेशन में ये भी हो रहा है, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है। फिर आपको बता सकते हैं कि फिल्ट्रेशन के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब कि वहां पर फिल्टर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक मैटर मतलब एल्गी होगा, वहां पर एल्गी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा तो ऑक्सीजन क्या कर देगा, वो जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा यहाँ पर। तो ऐसे केस में एक लेयर बन जाती है जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, तो एक डर्टी लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्मूजडेक लेयर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हम स्मूजडेक लेयर हम इसको बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि एक ऐसी लेयर, डर्टी लेयर जिसके अंदर बैक्टीरिया, एल्गी और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, दिस लेयर इज नोन एज स्मूजडेक लेयर। जितनी ज्यादा स्मूजडेक लेयर की थिकनेस होगी, मोर विल बी द बायोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ द फिल्टर, उतना ही जल्दी वो बायोलॉजिकली जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज करता रहेगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एक और फिल्ट्रेशन के अंदर क्या काम हो रहा होता है, इलेक्ट्रोलिटिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, इम्प्योरिटीज एंड फिल्टर मीडिया पार्टिकल जो हैं उनके चार्ज अपोजिट होंगे, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो जो वहां पर सेटल हो जाएगा, जो भी पार्टिकल जाएंगे वो वहीं रुक जाएंगे। देन कम्स नंबर ऑफ फिल्टर्स, ये जो आपका क्राइटेरिया है ये जब आप मेंस के क्वेश्चन करते हैं उनके अंदर यूटिलाइज होता है कि अगर एरिया जो आपके पास फिल्टर का है लेस देन 20 है तो दो फिल्टर आप यूज करेंगे, 20 से लेके 249 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो आप यूज करेंगे तीन, 250 से 649 के बीच में है तो आप यूज करेंगे चार, जिनमें से एक स्टैंड बाय होगा, एंड सो ऑन। पीरियड ऑफ क्लीनिंग, पीरियड ऑफ क्लीनिंग जो है स्लो सेंड फिल्टर का वो कितना होता है, 2 से लेके 3 महीने। कितना होता है पीरियड ऑफ क्लीनिंग, 2 to 3 months, हमने लिखा हुआ है 1 to 3 months, तो 2 से 3 महीने as per the given option answer आप टिक कर सकते हैं। Next design की बात करें तो design जब हम mains के part में करते हैं वहां करते हैं इसको। Rapid sand filters की अगर हम बात करें तो rapid sand filter removes suspended colloidal particles and it also removes microorganism। Rapid sand filter microorganism को भी remove कर देता है यहाँ पर। इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर साइज ऑफ सैंड पार्टिकल जो है वो लार्ज होता है यहाँ पर। लार्ज होने के कारण क्या होता है, इम्प्योरिटीज जो हैं वो ज्यादा अंदर तक चली जाती हैं, डीप इनसाइड द सैंड, तो सरफेस वॉशिंग जो है वो सफिशिएंट नहीं होती, ऊपर ऊपर से वॉश कर देना फिल्टर को सफिशिएंट नहीं होता है, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से वाटर को चलाते हो, तो बैक वॉशिंग आप यहाँ पर करवाते हो। ऑब्जेक्टिव में सवाल क्या पूछता है कि बैक वॉशिंग के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है, तो बैक वॉशिंग के अंदर 2 से 5% ऑफ टोटल अमाउंट जो आपने फिल्टर किया है उसका 2 से 5% आप फर्दर फिर से यूज कर लेते हो उसके बैक वॉशिंग के अंदर। द परसेंटेज ऑफ फिल्टर्ड वाटर दैट इज यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग फॉर रैपिड सैंड फिल्टर इज अबाउट 2 to 5%। देन कम्स फिर उसके बाद इसमें से इफेक्टिव साइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है। इफेक्टिव साइज जो है वो हम कितना लेते हैं, जनरली 0.45 कंसीडर किया जाता है, कॉमनली ये वैल्यू जो है 0.45 कंसीडर करेंगे। CU की वैल्यू जो है 1.2 से लेकर 1.7 तक कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट आगे बात करें इसके डिजाइन वाला पार्ट, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर प्रेशर फिल्टर्स आ जाते हैं जिसके अंदर हम प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं ग्रेविटी के थ्रू, वहां पर क्लीनिंग जो है वो नहीं होती। फिल्टर ट्रबल्स में बात करें तो मड बॉल फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर, एटमॉस्फेयर की जो भी डस्ट होती है या फिर जो भी इम्प्योरिटी होती है वो वहां पे जाके फिल्टर्स के अंदर जमा हो जाती है, उस फिल्टर को चोक कर देती है। फिर उसके बाद क्रैकिंग ऑफ फिल्टर के अंदर क्या होगा, फिल्टर जो है उसके अंदर श्रिंकेज क्रैक्स आ जाते हैं वहां पर, तो जो क्रैक्स आ जाते हैं तो वो
क्रैक्स के अंदर फिर से क्या चले जाएंगे, जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो वहां पर जमा हो जाती हैं, फिर से फिल्टर की जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस कर देती है। एयर बाइंडिंग, अगर बीच में एयर आ जाती है वहां पर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है, उसके थ्रू जो है फिर फर्दर वाटर जो है वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता है, एयर बाइंडिंग हो जाती है फिल्टर में। नेक्स्ट बात करें, पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाय, पैथोजेंस को आप क्लोरीनेशन के थ्रू या डिसइंफेक्शन के प्रोसेस के थ्रू आप उनको किल कर सकते हो। डिसइंफेक्शन, आपको पता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल जो होते हैं हमारी सेहत के लिए, जो नुकसानदायक होते हैं, जो डिजीजेस फैलाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बॉइल करके किल कर सकते हैं, जो यूवी रेज ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं आप। अगर केमिकल मेथड्स में आप बात करें तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और ये सारे आप कर सकते हैं, ओजोन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम पर मैंगनेट इज यूज फॉर डिसइनफेक्शन, एलम इज यूज फॉर कोएगुलेशन। पोटेशियम पर मैंगनेट इज यूज फॉर डिसइनफेक्शन, एलम इज यूज फॉर कोएगुलेशन। एलम पार्टिकल्स को हटा रहा है, पोटेशियम पर मैंगनेट क्या कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट डिसइनफेक्ट कर रहा है, याद रखना दोनों सेम से लगते हैं हमें। फिर द ओजोनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंपल सा सवाल। क्लोरीनेशन का जो प्रोसेस होगा वो पीएच 5 से कम पर नहीं होगा, 5 से कम पीएच के ऊपर नहीं होता है। पीएच की वैल्यू जो रहनी चाहिए वो कहां से कहां 5-7 रहनी चाहिए क्लोरीनेशन का प्रोसेस होने के लिए। क्लोरीनेशन का जब प्रोसेस होगा तो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड बना देगा, या फिर आप ये कह लीजिए HOCl, OCl- ये फॉर्म होगा। इनमें से सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्टिव होता है वो कौन सा होता है, HOCl जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब क्लोरीनेशन हुआ, क्लोरीनेशन अगर क्लोरीन आपने ऐड कर दिया, वाटर के अंदर वेस्ट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अमोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट है। अमोनिया मतलब NH3, रीसेंट पॉल्यूशन के बारे में बताता है। NH3 जो है वो HOCl के साथ फॉर्म होगा तो NH2Cl बन जाएगा। NH2Cl जो है वो HCl के साथ फिर रिएक्ट करेगा, HOCl के साथ फिर से रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म कर देगा, NHCl2 फॉर्म कर देगा। फिर उसके बाद फिर एक वहां पर क्या हो जाएगा, Cl2 और Cl ऐड हो जाएगा तो HOCl के साथ फिर रिएक्ट करके NCl3 बन जाएगा ये। तो इस तरीके से ये क्या बन जाते हैं, क्लोरीन और अमीन, तो क्लोरामीन्स बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं, क्लोरामीन्स जो हैं ये फॉर्म हो जाते हैं। क्लोरामीन्स जो हैं ये ज्यादा समय तक वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरीन इमीडिएटली रिएक्ट्स विद अमोनिया प्रेजेंट इन वाटर टू फॉर्म क्लोरामीन्स। क्लोरामीन्स आर कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन एंड आर लेस इफेक्टिव देन फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन से क्लोरामीन इफेक्टिव तो कम होते हैं लेकिन वो लंबे समय तक पानी के अंदर बने रहते हैं। बट क्लोरामीन्स आर स्टेबल एंड रिमेन इन वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इन द यूजुअल क्लोरीन ट्रीटमेंट इन विच पीएच इज केप्ट बिटवीन 5-7 डाइक्लोरामीन इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट। डाइक्लोरामीन जो है आपका वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है। डाइक्लोरामीन जो है वो प्रीडोमिनेंटली सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है, ये बात याद रखने योग्य है। क्लोरीनेशन की बात करेंगे नेक्स्ट। द डोज ऑफ क्लोरीन शुड बी सफिशियंट सो एज टू लीव 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ क्लोरीन आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ कॉन्टेक्ट पीरियड। दिस डोसेज इज नोन एज क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर कितनी कंसिडर की जाती है, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, इतना क्लोरीन लास्ट में बच जाए। क्लोरीनेशन आप कैसे कर सकते हो, फ्री क्लोरीन के फॉर्म में आप ऐड कर सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर या हाइपोक्लोराइड फॉर्म में आप ऐड कर सकते हो CaOCl2, या आप ऐड कर सकते हो इसको क्लोरीन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, ClO2 देन HOCl फिर उसके बाद क्लोरामीन फिर उसके बाद OCl-। इफेक्टिव इन डिसइनफेक्शन इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ClO2 फिर HOCl फिर उसके बाद क्लोरामीन फिर OCl- जो है वो सबसे ज्यादा होता है। क्लोरीनेशन के अलग अलग टाइप आते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों आपका प्लेन क्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशन का मतलब क्या है कि कोई और ट्रीटमेंट जो आप वाटर के लिए यूज नहीं कर रहे, सिर्फ क्लोरीन डाल दिया और आपने डायरेक्टली उसको सप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, प्लेन क्लोरीनेशन। फिर आता है प्री क्लोरीनेशन। प्री क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग की स्टेजेस हैं, जैसे किसी ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर आता है तो तभी उसके अंदर क्लोरीन ऐड कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा प्री क्लोरीनेशन। सुपर क्लोरीनेशन, जब भी कोई एपिडेमिक कोई महामारी फैलती है, जब जहां पर ज्यादा रिस्क होता है बैक्टीरिया का फैलने का, तो वहां पर बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में क्लोरीन ऐड कर दिया जाता है ताकि जैसे ही कोई इंप्योरिटी आए बाद में, अगर पानी को आपको जहां भी आपको भेजना है ट्रांसपोर्ट करना है तो जैसे ही कोई इंप्योरिटी आए वो उसको हाथों हाथ ट्रीट कर दे यहाँ पर, तो ये सुपर क्लोरीनेशन हो जाता है। देन कम्स अ क्वेश्चन,
Which of the following process includes chlorination of water above the break point? Break point से ऊपर का जो chlorination होता है उसे आप क्या कहते हो? Super chlorination. अब chlorination का जो test किया जा सकता है, chlorine testing of residual chlorine. Test के नाम याद रखने हैं आपको बस. Orthotolidine test होता है, DPD test होता है आपके पास, starch iodide test और chlorotex test. ये जो आपको test के चार नाम याद रखने हैं. Various dechlorinating agent कौन कौन सा होता है? Sodium thiosulfate, activated carbon, sulfur dioxide का इस्तेमाल होता है. क्लोरीन आपने ऐड किया तो चार स्टेजेस होती हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे. सबसे पहली स्टेज के अंदर क्या होता है, जो भी आपने क्लोरीन ऐड की, जो भी क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन आप ऐड करते जा रहे हो, ये सारा का सारा यूज हो रहा है किसमें, क्लोरीन रिड्यूसिंग जो कंपाउंड है उनके साथ क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है और खत्म होता जा रहा है. तो क्लोरीन ऐड करते गए रेसिडुअल क्लोरीन कुछ भी नहीं मिला. फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जो क्लोरीन आपने ऐड किया वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्लोरामीन्स बनेंगे. अब वो क्लोरामीन्स जो है वो रेसिड्यूअल क्लोरीन की फॉर्म में या फिर रुके हुए यहां पर मेंटेन्ड है वाटर के अंदर, वो बनेंगे सेकंड स्टेज के अंदर. अब ये जो क्लोरामीन्स है ये फिर फर्दर रिएक्ट करेंगे, जो भी डिसइंफेक्शन का प्रोसेस करना है या कंपाउंड्स के साथ जो नहीं रिएक्ट करना है वो रिएक्ट करेंगे, खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे यहां पर. तो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक एंड क्लोरामीन्स वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो डी पॉइंट है, ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब आप ये कह देते हैं कि यहां पे आके डिसइंफेक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया. ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर जितना आपको डिसइंफेक्शन प्रोसेस करना था वो हो चुका है, अब जितना भी क्लोरीन आप ऐड करोगे वो एज द रेसिडुअल क्लोरीन जो है वो ऐड होता जाएगा. तो ये फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की फॉर्म में यहां पर रहेगा. सो यहां पर क्लोरीन बन जाएंगी या क्लोरीन के कंपाउंड्स बन जाएंगे जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वैसे ही बने रहेंगे पानी के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक पॉइंट इन ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन इज अ पॉइंट फॉर विच द रेसिडुअल क्लोरीन फॉर एन अप्लाइड डोसेज ऑफ क्लोरीन इज इन द स्टेज व्हेन क्लोरीनेशन ऑफ वाटर शुड बी स्टॉप्ड. मतलब यहां आके क्लोरीनेशन आप बंद कर सकते हो कि हाँ जो भी क्लोरीनेशन की आवश्यकता थी वो आपने पूरी कर दी. परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट 30-35% के बीच में क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट रहता है. अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट्स 5000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर पर डे. 5000 मीटर क्यूब जो पानी है वो डेली ट्रीट करता है. इफ इट कंज्यूम्स 20 kg ऑफ क्लोरीन पर डे देन द क्लोरीन डोसेज वुड बी 20 kg ऑफ क्लोरीन पर डे कंज्यूम हो रहा है, 20 kg पर डे, 5000 मीटर क्यूब पर डे, तो क्या कर दो, आंसर किसमें मिलीग्राम पर लीटर में दे रखा है ना, तो उल्टा लिख दो इसको आप. 20 kg है तो 20 × 10⁻³ ग्राम, तो 10⁻⁶ मिलीग्राम अपॉन 5000 मीटर है आपके पास, मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर दो आप किसमें, लीटर में, तो 10⁻³. तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 mg/L. नेक्स्ट, फिर पानी कहां कहां से आ सकता है, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज से आ सकता है या जो हॉरिजॉन्टल वेल है, ग्राउंड वाटर जो है वो जहां पर सरफेस से बाहर आ जाए. इनफिल्ट्रेशन वेल, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज जो होती है वो कहां होती है, ग्राउंड वाटर वाला नहीं होता. इनफिल्ट्रेशन गैलरी जो रिवर्स वगैरह होती है उन रिवर्स के साइड साइड में जो सीपेज से पानी आ जाता है तो वहां से आप निकाल सकते हो. इसी तरीके से इनफिल्ट्रेशन वेल जो है, जो भी किसी रिवर जो है कोई नदी बह रही है उसके अराउंड आप यहां पर वेल बना लो तो इनका जो पानी है सीपेज वाला पानी ये वेल में आता रहेगा, यहां से आप यूज कर सकते हो. स्प्रिंग्स जो होती हैं ये होता है आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर. स्प्रिंग्स जो आप यूज करते हो ये होता है ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस पे आता है उसे आप कहते हो स्प्रिंग, वहां से पानी जो है उसका इस्तेमाल हो सकता है. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेयंस और उसके बाद उसके सोर्स की अगर हम बात करें तो आप उसे कैसे कैसे भेज सकते हो, ग्रेविटी के थ्रू या पंप करके या कंबाइंड सिस्टम हो सकता है. आप सप्लाई की अगर बात करें तो लगातार पानी पूरे दिन जा रहा है पानी या फिर कभी कभी सुबह शाम जो फिक्स टाइम उसके अकॉर्डिंग जा रहा है. लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर हम बात करें दोस्तों तो एक आता है आपके पास यहाँ पर डेड एंड सिस्टम. डेड एंड का मतलब कुछ भी नहीं है, कहीं भी शुरू करो और आगे पाइप जो है वो लेके जाते चलते जाओ और लास्ट में एक किसी एक जगह जाके खत्म हो जाएगी, वो डेड एंड आ जाएगा. तो डेड एंड का फायदे क्या है कि मतलब कोई आपको प्लानिंग नहीं करनी, कैसे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, डिजाइन करने में कोई खास यहाँ पर कलाकारी नहीं चाहिए आपको. नुकसान क्या है कि अगर एक जगह से यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया तो इसके आगे की पूरी सप्लाई जो है वो इफेक्ट हो जाएगी. दूसरी बात कि अगर यहाँ से वाटर जो है वो यूज नहीं किया जा रहा, यहाँ पे स्टेग्नेंट है तो रुका हुआ पानी जो है वो क्या कर देता है, डिजीजेज कॉज करता है, वहां पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं. फिर ग्रिड आयरन सिस्टम, इसके अंदर एक सिंगल मेन पाइप जाएगी और इसके अराउंड जो है ग्रिड बना हुआ है ऐसे, इस तरीके से जैसे आप अपने फोन के अंदर जो एप्स हैं वो ग्रिड फॉर्म में होती है ना, इस तरीके से जो रोज एंड कॉलम्स में जो अरेंज्ड होती है.
तो मेंस होगी, मेन से सब मेंस होगी, और उसके बाद आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी यहाँ पर। इसे रेटिकुलर सिस्टम भी कहा जाता है। वन मेन पाइप रन थ्रू द सेंटर एंड ब्रांचेस और लेटरल्स जो है वो ग्रिड पैटर्न के अंदर चलती हैं। डेड एंड्स इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ फायर आप कहीं भी पानी को यूज कर सकते हो। एक जगह अगर मान लीजिए यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर फायर लगी तो बाकी सारी जगह सप्लाई बंद करो और सिर्फ सारा पानी जो है वो यहाँ पर आप दे सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, बनाना डिजाइन बनाना डिफिकल्ट है, पाइपलाइंस आपको बहुत बिछानी पड़ेगी, पाइपलाइन भी होगी, नंबर ऑफ वॉल्स होंगे बहुत ज्यादा। तो एक प्लान्ड सिटी है वहीं पर ये जो है कामयाब है, ज्यादा हेल्पफुल है। रिंग सिस्टम की आप बात करें तो सर्कुलर सिस्टम भी हम बोलते हैं, कोई भी एरिया होता है उसके अराउंड ये पूरी पाइपलाइन आप बिछा देते हैं, तो वहां पे आप मेंस करेंगे फिर सब मेंस और लेटरल्स जो है वो आ जाती है। द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच वाटर फ्लोज टूवर्ड्स द आउटर पेरीफेरी, इसे हम क्या बोलते हैं, रिंग सिस्टम बोलते हैं। देन कम्स रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो रेडियल सिस्टम के अंदर हर जो पूरा सिटी होता है उसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक जोन जो है उसके ऊपर आप ओवरहेड टैंक प्रोवाइड कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे यही शब्द यूज करके पूछ लेता है कि कौन सा सिस्टम है जिसमें अलग अलग जोन बनाते हैं आप और हर एक जोन का ओवरहेड टैंक वहां पर सप्लाई कर देता है, तो वो है रेडियल सिस्टम आपका। एडवांटेज, दिस मेथड गिव्स हायर सर्विस हेड एंड एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। हेड जो है ओवरहेड टैंक है, बहुत हाइट पर बना होता है तो वो अच्छे से सप्लाई कर देगा। अब सप्लाई कैसे करना है, पाइप फ्लो के थ्रू करना है या ओपन चैनल फ्लो के थ्रू करना है, ग्रेविटी या फिर प्रेशर। प्रेशर मतलब पाइप्स के थ्रू, ग्रेविटी मतलब पाइप है तो भी यहाँ पर पूरी भरी हुई ना हो या ओपन चैनल हो, इसके थ्रू आप जो है वो करवा सकते हो। यहाँ पर अलग अलग पाइप यूज करते हो, मेटेलिक, स्टील, रॉट आयरन पाइप जो है। कास्ट आयरन पाइप की अगर हम बात करें सबसे पहले तो वो सस्ती पड़ती हैं, इकोनॉमिकल होती हैं, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं यहाँ पर, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। फिर आती है स्टील पाइप्स, तो स्टील पाइप को तब इस्तेमाल किया जाता है जब प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और पाइप का जो साइज आपको रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा होता है। रॉट आयरन पाइप जो है ये गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होती है, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस, जिंक कोटेड आप कह सकते हैं यहाँ पर, या उसके ऊपर कोई भी गैल्वेनाइज्ड मेटल जो इसके ऊपर लगा होगा यहाँ पर। दे आर इजिली वर्केबल एंड लाइटर देन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन वाले से ये थोड़ी सी लाइटर होती हैं। फिर आपके पास आरसीसी की पाइप आ जाती हैं, ज़्यादातर जो मेन्स हैं उनके लिए यूज़ की जाती हैं। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइप्स, एस्बेस्टोस, प्लास्टिक पाइप जिसके अंदर आपके पास अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड UPVC, PVC ये सारी पाइप जो है इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसे आप कहते हो बैलेंस स्पाइकर जॉइंट, सबसे पहला आता है आपका जो स्पाइकर जॉइंट, कुछ ऐसा जॉइंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है कॉलर जॉइंट, ये एक कंक्रीट के पाइप, दूसरी बीच में आपने एक ये कॉलर जॉइंट आपने यूज कर रखा है, आरसीसी पाइप और एस्बेस्टोस के अंदर ये यूज होता है। देन कम्स एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट जो भी मेटेलिक पाइप होती है उनके अंदर आप यूज करते हैं ताकि टेम्परेचर चेंजेस हैं उनको वो एडजस्ट कर पाए। कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट्स आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर वाटर सप्लाई लाइंस। देन अलग अलग टाइप के वॉल्स आते हैं, चेक वॉल, ड्रेन वॉल, स्लूज वॉल, एयर वॉल, चेक एंड सो ऑन। तो इसमें स्लुइस वॉल जो है, स्लुइस वॉल को इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। स्लुइस वॉल को आप गेट वॉल बोलते हो या फिर शट ऑफ वॉल, मतलब आपको अगर रेगुलेट करना है पाइप के अंदर पानी जाने देना है या नहीं जाने देना तो ऑन ऑफ करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। गेट वॉल्व या फिर शट वॉल जो है वो आप यूज करते हो। दीज आर यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप एंड आर एसेंशियल टू डिवाइड द मेन्स इनटू सेवरल सेक्शन। फिर आता है एयर वॉल्स या फिर एयर रिलीफ वॉल्स। तो एयर वॉल्स जो है आप जो भी हवा बीच में भर जाती है यहाँ पर तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी इसके फ्लो को, तो उसको बाहर निकालने के लिए आप एयर वॉल्स जो है उनका आप इस्तेमाल करते हैं। चेक वॉल, रिफ्लक्स या नॉन रिटर्निंग वॉल, ये इंश्योर करते हैं कि वाटर जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वापस इधर ना जाए, सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करे। ड्रेन वॉल्स, कवरिंग वॉल या फिर ब्लो ऑफ वॉल जो है वो क्या होता है, जो भी सेडिमेंट्स आ जाते हैं पाइपलाइन के अंदर, अगर कोई भी सेडिमेंट्स आ गए तो उनको वो यहाँ से ड्रेन कर देगा, तो जो भी नीची जगह होगी वहां पर ये बने होंगे वहां से उसको हटा सकते हैं। फिर एयर वॉल्स, एयर रिलीफ, ये तो हो ही गया। बटरफ्लाई वॉल जो है ये क्या करते हैं, लार्ज साइज की जो पाइप्स होती हैं उनके अंदर फ्लो को रेगुलेट करते हैं। बॉल वॉल्स या फिर बॉल फ्लोट वॉल, जो आपने आपके जो कूलर होते हैं या ओवरहेड टैंक के अंदर जो होते हैं, जो फ्लोट होता है वो ऊपर नीचे अपने आप जो उसको बंद कर देगा सप्लाई को, कि अगर वो टैंकी जब भर जाती है तो आप यूज करते हो। प्रेशर रिलीफ वॉल्व या फिर सेफ्टी वॉल्व, जब प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है पाइप के अंदर अगर, तो वहां पर प्रेशर रिलीफ वॉल्व होता है तो वो आप यूज कर सकते हो, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाला फ्लूड है या एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो अलग निकल जाएगा यहाँ पर, तो इससे पाइप जो है वो बर्स्ट नहीं करेगी, बर्स्ट करने से बच जाएगी। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। स्लुइस वॉल्व जो है वो आप यूज करते हो किसके लिए, गेट वॉल्व की तरह यूज करते हो उसको, यहाँ पर उसने दे दिया कि उसको वन डायरेक्शन में, तो वो तो चेक वॉल्व यूज होता है यहाँ पर। एयर वॉल्व, ये सारी बातें तो बाकी ऑब्वियसली आपकी सही हैं। एयर वॉल्व इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्रोवाइडेड, कहाँ प्रोवाइड करेंगे, समिट पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे आप प्रोवाइड करेंगे ताकि यहाँ से एयर जो है वो रिमूव कर सके आप।
द कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, दोनों बातें सही है, assertion भी सही है, रीजनिंग भी सही है. नेक्स्ट कम्स waterborne diseases. पानी से जो जो diseases होते हैं इनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं. पानी आपने कैसे भी डायरेक्टली पी लिया, या फिर खाने के अंदर आपने यूज कर लिया, या आपने नहाने के लिए यूज कर लिया, जो भी इन्फेक्टेड वाटर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वायरस प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कुछ भी अगर पैथोजन प्रेजेंट है तो वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट के थ्रू आए हो, चाहे वो कंज्यूम कर लिया है आपने उसके थ्रू आया हो. बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड एलिमेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ इस तरीके से आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिएंट लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से. इन सम केस इट मे बी जो आपके जो भी फैमिली मेंबर या कोई भी हो सकते हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर है वो हो सकते हैं जिनसे वो अपना फूड लेते हैं. वायरस जो क्या होते हैं, दीज आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया. वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, इवन वो पूरा का पूरा एक सेल भी नहीं होते हैं. बैक्टीरिया कम से कम एक सेल तो होता है पूरा यहाँ पर, तो वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और एक पूरा पूरा सेल भी नहीं होते. ये सिर्फ एक कोई जेनेटिक मटीरियल हो सकता है, जैसे कि डीएनए और आरएनए होते हैं, तो प्रोटीन की कोटिंग के अंदर सिर्फ ये प्रेजेंट हो सकते हैं. प्रोटोजोआ की अगर आप बात करें तो ये वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया की तरह, लेकिन ये बैक्टीरिया से बड़े होते हैं. बैक्टीरिया से साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं. दे आर बिगर देन बैक्टीरिया एंड कंटेन अ न्यूक्लियस एंड अदर सेल स्ट्रक्चर, मेकिंग देम मोर सिमिलर टू अ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. अब आते हैं कुछ कुछ डिजीजेस के ऊपर, ये आपको सेल्फ स्टडी करना है. अगर जितना समय हो आपके पास उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, जितना टाइम हो आपके पास उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए. आपको ये सारा PDF में मिल जाएगा, कौन कौन से डिजीजेज क्या क्या होता है इनसे. कॉलेरा, जैसे कॉलेरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ये किससे होता है, विब्रियो कॉलेरे से होता है. ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरियम, इससे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि कॉलेरा हो गया है किसी को, तो इससे क्या होगा यहाँ पर, डायरिया हो जाएगा, क्रैम्प्स आएंगे पेट के अंदर, और क्या होगा, हेडेक हो सकता है इसके कारण, वॉमिटिंग होगी बहुत ज़्यादा, पल्स बढ़ जाएगी. ई कॉली इन्फेक्शन जो होगा उससे क्या होगा यहाँ पर, वाटर कंटेमिनेटेड विद द बैक्टीरिया, इसके अंदर भी यही डायरिया, जो भी वाटर है वाटर से रिलेटेड ये कॉमन सा सिम्टम है, डायरिया क्रैम्प्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तो होते ही होते हैं. टाइफॉइड, टाइफॉइड किसके कारण होता है, सलमोनेला किसके कारण होता है, SALMON सलमोनेला. तो सलमोनेला टाइफी के कारण टाइफॉइड जो है होता है. जो भी वाटर जिसके अंदर आप ये कह लीजिए कि ह्यूमन वेस्ट अगर है उसके कॉन्टेक्ट के अंदर आ गया तो उससे टाइफॉइड जो है हो सकता है, या फिर कोई कंटेमिनेटेड वाटर है उसके कारण हो सकता है. कैरेक्टराइज्ड बाय सस्टेन्ड फीवर, फीवर होगा 104 तक का फीवर होगा आपको, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी. सिम्टम्स जो हैं वो कैसे होंगे, लीवर है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, एनलार्ज हो जाता है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, टाइफॉइड के केस में होती हैं. नेक्स्ट सार्स किसके कारण होता है, कोरोना वायरस के कारण होता है. मैनिफेस्ट इट्सेल्फ इन इम्प्रॉपरली ट्रीटेड वाटर. अब ये कोरोना वायरस वाली तो अभी तक कहानी जो है चल ही रही है कि हाँ कोरोना वायरस किसके थ्रू फैल रहा है, एयर के थ्रू भी फैल रहा है, वाटर के थ्रू भी फैल रहा है, किसके थ्रू फैल रहा है, कॉन्टेक्ट से भी फैल रहा है, तो ये सारी चीज़ें. लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें वाटर के थ्रू भी ये फैलता है, तो हमारा तो यहाँ पर यही है कि वाटर बॉर्न डिजीजेज, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया यहाँ पर. तो कोरोना वायरस जो है इसके कारण क्या होता है, आपको जो सार्स है या जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है इसके कारण डिजीजेज हो सकते हैं. और कोरोना में तो आपको पता है फीवर जो है वो हो जाता है, फीवर होने के अलावा वॉमिटिंग होती है, खाना जो है वो टेस्टलेस लगता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आ जाते हैं. फिर एक और इम्पॉर्टेंट आपके पास आता है पोलियोमिलाइटिस, या जो पोलियो बोलते हो आप, पोलियो वायरस के कारण होता है. पोलियो वायरस जो है वो भी क्या होगा, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनके कॉन्टेक्ट में आने से, या फिर अगर उनके जो ह्यूमन वेस्ट है उसके कॉन्टेक्ट में जो अगर वाटर आ गया तो उसके थ्रू हो सकता है वो. देन कम्स हेपेटाइटिस ई, ये हेपेटाइटिस ई वायरस इसके कारण होता है. देन द वाटर बॉर्न डिजीजेज कॉलेरा इज कॉज ड्यू टू विब्रियो कॉलेरे. देन कम्स टुलेरेमा डिजीज इज ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसे रैबिट फीवर भी हम बोलते हैं. इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम फ्रांसिसेला टुलेरेनेसिस. सिम्टम्स में इंक्लूड फीवर, स्किन अल्सर्स,
एंड एनलार्ज लिम्फ नोड्स. सेफ वाटर डज नॉट कंटेन, साफ पानी जो होगा उसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होगा, पैथोजेंस जो है वो नहीं प्रेजेंट होंगे. ऐसे पानी को हम कहेंगे सेफ वाटर. ठीक है, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया दोस्तों तो आप लाइक कर सकते हैं, और वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ये सेशन आपको कैसा लगा. इसी तरीके के सेशंस के लिए आप बने रहिए सिविल 101 पर, और अगर आपने सिविल 101 को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 2 कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे. पहले हम एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 2 पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो हम कवर करेंगे यहाँ पर. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय. जल्दी से 2 भी पढ़ा दो, 2 पढ़ना है तो बताओ. टू के अभी क्वेश्चंस जो है वो रेडी नहीं है, बस वैसे पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. कोई बात नहीं, कल पढ़ते हैं, डजेंट मैटर, कल पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे इसको. तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 2 कल पढ़ेंगे अपन, और फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम कवर करेंगे. 20 से पहले पहले अपन सारे करेंगे, डोंट वरी. डिसलाइक कर दिया, कोई बात नहीं दोस्त, आप खुश हो गए इतना बहुत है हमारे लिए, डिसलाइक कर दो. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट.